तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टू टू थ्री थिंग्स. वन इज गांधीयन आइडियोलॉजी, रिवाइज करेंगे इसको. काफी पता है हमको गांधी जी का क्या क्या आइडियोलॉजी था. एंड मेन इज साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स. साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स, खास करके जो द्रविडियन सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो द्रविडियन मूवमेंट है. ओके, इवन साउथ इंडिया में इट्स नॉट लिमिटेड टू तमिलनाडु, इट इज तमिलनाडु, आंध्रा, केरला. ठीक है, इवन महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ था थोड़ा बहुत हम उसको भी पढ़ेंगे. एंड वन थिंग इज एंड सम मिसलिनियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. ठीक है, जो कि प्रीलिम स्पेसिफिक है, पूरा का पूरा प्रीलिम स्पेसिफिक है. सो गांधीयन पर्सपेक्टिव में क्या था, गांधीयन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. गांधी जी का पॉलिटी मतलब जो एथिक्स के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर उनका क्या विचार था. गांधी जी ट्रीटेड एथिक्स एज गाइडिंग स्टार ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर. हिज एथिक्स वाज बेस्ड ऑन मोरल टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजियंस, ऑल्दो ही पेड अटेंशन टू हिंदू धर्म. सो ही वाज मोर ऑफ लाइक ऑल रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे, बट थोड़ा ज्यादा अटेंशन उनका हिंदू धर्म के ऊपर था. इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन को वो नीचा देखते थे. एवरी रिलीजन वॉज similar like he took the moral teachings of all religions. Okay, his faith was in spiritualization in politics. He always wanted spiritualization in politics. This meant that if politics was to be a blessing and not a curse to mankind, it should be informed by the highest ethical and spiritual principle. Matlab politics jab bhi koi karta hai, it should be from ethical point of view. और फ्रॉम जो जो स्पिरिचुअल है, तो मेन वर्ड इज स्पिरिचुअलाइजेशन इन पॉलिटिक्स. ही बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलाइजेशन इन पॉलिटिक्स. ओके, गांधी जी बिलीव्ड इन प्योरिटी ऑफ मींस एज वेल एज एंड्स. ओनली राइट मींस शुड बी अडॉप्टेड फॉर परस्यूट ऑफ राइट एंड्स. ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एंड जस्टिफाइज द मींस. नो, राइट मींस शुड बी अडॉप्टेड फॉर परस्यूट ऑफ राइट एंड. वो ज्यादा से ज्यादा एंड के ऊपर मतलब ऑब्वियसली एंड के ऊपर बिलीव करते थे, लेकिन जो मींस है, जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने के लिए, एंड तक पहुंचने के लिए, सो राइट प्रोसेस और राइट मींस शुड बी अडॉप्टेड. गांधी जी का आइडियोलॉजी यही था. मैन हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज एक्शंस एंड नॉट ओवर हिज कॉन्सिक्वेंसेस. भगवद गीता में लिखा है कि आपका पूरा अपने एक्शन के ऊपर पूरा कंट्रोल है. आप चाहोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो. कॉन्सिक्वेंस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है. आउटपुट क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम हमारा एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम सही रास्ता सही एक्शन करेंगे, सो ऑब्वियसली बात है कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही आएगा. ओके, गांधी जी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ सत्याग्रह, दैट इज द रिलायंस ऑफ ट्रुथ एंड अचीविंग स्वराज, बिकॉज दिस पाथ वॉज एज सेक्रेड एज इट्स डेस्टिनेशन. सत्याग्रह इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, विच एम्बोडेड द कोर्स ऑफ एक्शन. सो फॉर गांधी जी अहिंसा कम्स बिफोर स्वराज. अहिंसा कम्स बिफोर स्वराज. ओके, स्वराज से पहले अहिंसा आता है गांधी जी के लिए. दोनों आते हैं, लेकिन स्वराज पाने के लिए अहिंसा जरूरी है. ओके, according to Gandhi, no religion was superior or inferior to any other. So he believed in religious tolerance. Then his devotion to truth drew him into field of politics. So politics and ethics were inseparable in Gandhian system of thought. So religious tolerance ko pura believe karte the. His devotion to truth drew him into field of politics. So politics and ethics were inseparable in Gandhian system of thought. So repeatedly I have told you ki politics, ethics, even politics, religion, sab saath mein chalta hai Gandhi ji ke liye. Gandhi ji politics aur religion ko bhi alag nahi rakhte the, politics aur ethics ko bhi alag nahi rakhte the. Sab kuch ek saath chalta hai. Those are inseparable, remember. Even religion ke saath bhi agar question aayega, you should know ki haan, politics and religion should go together as per Gandhi ji. Gandhi ji's concept of coexistence, mutual toleration. See, it refers to an attitude of tolerance towards each other. However, it did not mean difference of opinion, but ready to live peacefully in spite of differences. आपके अगर different opinion है, but you should be tolerant. Opinion अलग-अलग हो सकते हैं, but at least
यू शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर्स ओपिनियन, ओके, जो कि ये सब चीज आज के डेट में बहुत रिलेवेंट है. जो मेंस का क्वेश्चन आएगा, यू शुड राइट दिस, कॉन्सेंस इज नॉट द सेम थिंग फॉर ऑल. सो इम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट ऑन ऑल विल बी इंटरफेरेंस विद एवरीबडीज फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस. गांधीजी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंस इज द सोल बिहाइंड नॉन वायलेंस. ये जो कॉन्सेंस का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, कि कॉन्सेंस सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग है. सो आपको अगर एक चीज आप जबरदस्ती अगर थोप रहे हो तो वो अच्छा नहीं है. ओके, सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंस इज द सोल बिहाइंड नॉन वायलेंस. और जो नॉन वायलेंट होने के लिए यही उनका जो कॉन्सेंस का कॉन्सेप्ट है, यही उसका सोल है. नॉन वायलेंस इज नॉट अ मैटर ऑफ ओनली आउटवर्ड बिहेवियर. द रियल वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस इज प्रिजर्व्ड इन द हार्ट एंड माइंड इज प्योर. तो एथिक्स के साथ या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ ही वो कनेक्ट कर रहे हैं. नॉन वायलेंस एंड कॉवर्डिस गो इल टुगेदर. नॉन वायलेंस टीचेस अ पर्सन टू बी ब्रेव एंड नॉट एस्केप फ्रॉम ड्यूटी. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वेंजियंस कम्स आउट ऑफ फियर. VENGENCE, वेंजियंस जो है, जो रिवेंजफुल एटीट्यूड है, जो वेंजियंस, वो फियर से ही आता है. ठीक है, गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज. His concept of Swaraj confirms his firm commitment to moral individualism. Swaraj मतलब क्या है? Swaraj मतलब self-rule. But Gandhi ji का Swaraj was not only self-rule. Self-rule के साथ moral individualism मतलब मतलब spiritual freedom, all kind of freedom. Swaraj was not only political freedom for Gandhi ji. Swaraj means self-rule, जो कि independence है. For Gandhi ji, Swaraj did not only mean political independence from foreign rule, but it is also implied the idea of cultural and moral independence. Cultural independence, क्या हम cultural independent हैं आज? No. अभी भी हम western culture के kind of, we are slaves of western culture. हम अपना roots भूल रहे हैं. Morally क्या हम independent हैं? नहीं है, आज भी, आज के date में भी. तो कहीं ना कहीं गांधी जी का जो ideology है वो आज भी matter करता है. If a country is morally independent but culturally dependent on other for choosing its course of action, it would be devoid of others. Swaraj does not close the door of learning from others, but it requires confidence in one's own problem and decisions. Aap learn karo bahar se, koi problem nahi, but at least you should have confidence in your own problem and to take your decisions own. You can take knowledge from outside, but decision aapka khud hona chahiye. This concept of Swaraj was a system in which people will collaborate in the task of nation building. ठीक है, पीपल विल कोलैबोरेट इन द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग. स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट मींस कंटिन्यूअस एफर्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, वेदर फॉरेन और नेशनल. बट स्वराज गवर्नमेंट विल बी अ सॉरी अफेयर इफ पीपल लुक इनटू इट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एवरी डिटेल ऑफ लाइफ. मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आपको कंट्रोल नहीं करेगा. लेकिन स्वराज Government will be a sorry affair if people look up to it for the regulation of every detail of life. It also believed in educating the masses to check the abuse of authority. Gandhiji Swaraj also inspired moral regeneration, often self-control, self-discipline, self-purification. These are the words you should write in mains. Mains mein thoda alag likhne ke liye thoda word, achha achha word dena zaruri hai. According to Gandhiji, reliance of non-violence, ahimsa and can attain political swaraj as well as individual swaraj. Dono ke dono swaraj ho sakta hai agar aap non-violence pe jaoge and ahimsa mein jaoge. Gandhiji's doctrine of trusteeship. Trusteeship refers to socio-economic philosophy where wealthy people should be persuaded to part their wealth to help the poor. He urged the landlords and capitalists not to consider themselves as sole proprietors of their position, but only trustees of a gift bestowed upon them by God for the service of humanity. So, यहाँ से जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बोला था, गांधीजी was not against capitalism. Remember, बहुत जन को लगता है कि गांधीजी was against. No, गांधीजी was never against capitalism. Even Gandhiji was never against landlordship also. Gandhiji ne bola ki aapke paas paisa hai, you have the money, so you become trustees. Agar wo capitalism ke khilaf honge to trusteeship concept cannot come itself. Trusteeship wahi pe aata hai jahan pe capitalism hai, jiske paas paisa hai, right? Wahi trustee ban sakta hai. So Gandhiji was not against capitalism, but he urged them ki you become trustees. Okay. His principle of non-violence
दैट इज अपरिग्रह नॉन वॉल्यू सॉरी नॉन पोजिशन जिसको अपरिग्रह बोलते हैं इम्प्लाइज दैट वर्ल्डली पोजिशन विल मेक यू मोरली डिप्राइव्ड हेंस वन शुड नॉट टेक मोर देन हिज इमीडिएट नीड जितना आपके पास है उतना जो बेसिक चीजें हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो उसको करने के बाद यू शुड लाइक यू शुड गिव टू द पुअर ठीक है He did not want extinction of landlords or capitalists, but a transformation of the existing relationship between them. जो relationship है उनका और लोगों के साथ, poor लोगों के साथ, वो relationship को वो change करना चाहते थे. Okay, so यहीं से ही उधर trusteeship concept आता है. Okay. Then Gandhiji's concept of Sarvodaya. He was inspired by John Ruskin's. जॉन रस्किन अनटू द लास्ट यहां से जॉन रस्किन का जो अनटू द लास्ट था वहां से ही गांधी जी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लिया था तो कहां से क्या लिया था वो भी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंस्पिरेशन कहां से मिला था गांधी जी का हर चीज का दिस कॉन्सेप्ट मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सबका अपलिफ्टमेंट करना द आइडियल ऑफ सर्वोदय इज कंसर्न विद वेलफेयर फॉर पीपल येट इम्प्लाइज स्पेशल कंसर्न विद वेलफेयर ऑफ द डाउनट्रोडन और द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड डी डिसएडवांटेज्ड तो जो कि बहुत ही पुअर है उनके लिए ये था ये कॉन्सेप्ट दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन इंडिविजुअल एक्शन एज वेल एज इन टेकिंग पब्लिक डिसीजंस ओके सो यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको बस एक ही चीज याद करना है जॉन रस्किन का नाम याद करना है जो सर्वोदय कॉन्सेप्ट यहीं से ही गांधी जी ने लिया था बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सी गांधी जी आप ध्यान से देखोगे गांधी जी आप बोल रहे हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल ऑल मतलब हर कोई आ रहा है यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी आ रहे हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट दिस क्वेश्चन वॉज मेड क्लियर बाय विनोबा भावे कि विनोबा भावे मेंशन विनोबा भावे जो उसके गांधी जी के बहुत ही बड़े फॉलोअर थे और वो अपलिफ्टमेंट ये जो ट्रस्टीशिप सॉरी ये कॉन्सेप्ट को सर्वोदय कॉन्सेप्ट को उन्होंने आगे तक लेके गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे विनोबा भावे मेंशन दैट इन दिस अनहैप्पी वर्ल्ड एवरी वन इज इन नीड टू बी अपलिफ्टेड एवरी वन हैज फॉलन रीच हैज फॉलन लॉन्ग Since the poor never has risen at all, this result is that both need to be uplifted. मतलब ये बोल रहे हैं मतलब विनोबा भावे का ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है कि क्यों सबके सबका अपलिफ्टमेंट क्यों बिकॉज रिच रिच पीपल आर ऑलरेडी रिच वाई अपलिफ्टमेंट फॉर देम अपलिफ्टमेंट शुड ओनली बी फॉर द पुअर बट विनोबा भावे ने उसको क्लियर किया कि अपलिफ्टमेंट सबकी चाहिए अब यहां से देखो रिच हैव ऑल्सो फॉलन पुअर हैव ऑल्सो फॉलन पुअर तो कभी रिच देखा ही नहीं रिचनेस देखा ही नहीं तो पुअर तो ऑलरेडी फॉलन है ही सोशियो इकोनॉमिकली पुअर आर फॉलन लेकिन रिच भी फॉलन है हर चीज पैसा से नहीं होता है रिच मोरली फॉलन है स्पिरिचुअली फॉलन है तो उनको भी अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट ऐसा नहीं कि यहाँ गांधी जी का जो अपलिफ्टमेंट था ना इट वॉज नॉट वेरी वो बहुत ही ब्रॉड था इट वॉज नॉट ए नैरोली डिफाइंड थिंग चीज नहीं था इट वॉज वेरी ब्रॉड रिच भी जो है ना वो भी मॉरली डिग्रेड हुए हैं तो उनका भी अपलिफ्टमेंट चाहिए ओके So according to Vinoba Bhave, Sarvodaya is intended to uplift the rich spiritually and uplift the poor materially. ठीक है? गांधी जी का सोशलिज्म क्या था? गांधी जी सोशलिज्म is based on nationalist interpretation of the theories of Gandhi. जैसे कि federation of political and economic power, reluctance towards modernization of technology and large-scale industrialization. गांधी जी was against industrialization. हमने पढ़ा है. गांधी जी was against modern technology. ठीक है? तो गांधी जी का जो सोशलिज्म क्या है सोशलिज्म मतलब जो पुअर के लिए करना इकोनॉमिक जस्टिस सोशल जस्टिस वो सब सोशलिज्म में आता है लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सो जो सोशलिज्म है गांधी जी भी सोशलिज्म को फॉलो करते थे लेकिन उनका सोशलिज्म ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस फोकसिंग ऑन विलेज इकोनॉमी गांधी जी का सोशलिज्म वॉज नॉट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रिमेंबर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वॉज नेहरू सोशलिज्म रहेगा लेकिन थ्रू डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्शंस करके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे आप चुनोगे कि आप चुनोगे आप वोट दोगे वो आपके लिए काम करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म गांधी जी का सोशलिज्म ये था ठीक है वो अपना जो आइडियोलॉजी थे उसी थ्रू ही सोशलिज्म करना चाहते थे विलेज इकोनॉमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ रिलायंस ओके वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट लास्ट ईयर आया था यहीं से नेक्स्ट पेज से ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ठीक है
सोशलिज्म जो है, एक है मार्क्सिज्म, एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ लिया है, थोड़ा और एक बार मैं बोल देता हूँ। तो सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच सीक्स टू रिप्लेस द कैपिटलिज्म बाय प्लेसिंग द मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन अंडर सोशल ओनरशिप और कंट्रोल। ठीक है, जो मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो बाय प्लेसिंग द मेजर मींस अंडर अंडर सोशल ओनरशिप और कंट्रोल। चीफ गोल क्या है? इमेंसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो कैपिटलिस्ट लोग एक्सप्लॉयट करते हैं वर्किंग क्लास को, वो नहीं होना चाहिए। ये तो चीफ गोल है सोशलिज्म का। ये मार्क्सिज्म का भी गोल है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का भी गोल है, ये मेन सोशलिज्म का गोल है। लेकिन उसका डिविजन दो है। एक देखो, एक अगर हम मार्क्सियन व्यू की बात करेंगे, ठीक है, और गांधीयन व्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिलोसॉफिकल बेसिस मार्क्सियन व्यू का क्या था? मटेरियलिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म। तो मार्क्सियन व्यू ये जो बेसिस है ना, यही से आया है। जब मार्क्सियन व्यू, मार्क्सिस्ट इज एन आइडियोलॉजी, मार्क्सियन इज नॉट ए सिस्टम, इट इज एन आइडियोलॉजी। मैंने पिछला क्लास में बोला था, इट इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, विच एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास। ये रिलेशनशिप से ही मार्क्सिस्ट थ्योरी आई है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप ये कौन से बेसिस पे आई है? मटेरियलिज्म से आई है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, जस्ट कीप लाइक सब्जुगेटिंग द वर्किंग क्लास। ओके, तो उनका फिलोसॉफिकल बेसिस ही मटेरियलिज्म है, साइंटिफिक सोशलिज्म उसका और एक नाम दे सकते हो। गांधीयन का व्यू जो था वो स्पिरिचुअलिज्म और मोरल इंडिविजुअलिज्म है उनका फिलोसॉफिकल बेसिस, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासेस, यहां पे मार्क्सियन व्यू का कहते हैं डिविजन ऑफ सोसाइटी इंटू ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से ही तो ये सब चीज आई है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन करता है? यहां पे गांधीयन व्यू में द आउटलुक इज बेस्ड ऑन कंटेम्प्ट ऑफ फिजिकल लेबर। गांधी जी हमेशा फिजिकल लेबर, ब्रेड लेबर, वो सब चीज हमने जो पढ़ा था उसी के ऊपर फोकस करते थे। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस? इट इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट मार्क्सियन व्यू में। कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वही है मार्क्स, वहीं से तो सब चीज आई है मार्क्सियन व्यू। यहां पे कोऑपरेशन, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है गांधी जी का, यहां पे क्लास कोऑपरेट करो, ठीक है। वेज टू अचीव क्लासलेस सोसाइटी, दोनों के दोनों गांधीयन व्यू भी चाहते थे क्लासलेस, कोई भी पर्टिकुलर क्लास का राज नहीं होना चाहिए। मार्क्सियन व्यू भी चाहता था क्लासलेस। तो वेज टू अचीव, हाउ टू अचीव? ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करो, सोशल ओनरशिप, एस्टेब्लिश सोशल ओनरशिप, तब जाके ये हो सकता है। यहां पे कैसे करोगे? हाउ टू अचीव? डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप से अचीव कर सकते हो, ट्रस्टीशिप से ही अचीव कर सकते हो। मोरल पर्सुएशन टू कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट को हम मतलब उनको बोलेंगे कि यू बिकम ट्रस्टीज फॉर द पुअर। ओके, नेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट कैसा रहेगा? मार्क्सियन व्यू क्या था? क्लास डोमिनेटिंग एंड एक्सप्लोइटिंग अनदर क्लास। इसी एक क्लास डोमिनेट करता है और एक्सप्लोइट करता है, वहीं से तो मार्क्स, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन मार्क्सिस्ट थ्योरी, वहीं से तो आया। एक क्लास डोमिनेट कर रहा है और एक्सप्लोइट कर रहा है। गांधीयन का व्यू क्या था? स्टेट एनफोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट ह्यूमन सेंसिटिविटी एंड मोरलिटी। गांधी का व्यू था जब एक स्टेट, खास करके यहाँ पे ब्रिटिश है, जो कि रेगुलेट कर रहा है, रूल दे रहा है विदाउट, सी डॉट मीन्स विदाउट, विदाउट ह्यूमन सेंसिटिविटी मोरलिटी। इसलिए तो गांधी जी बोले थे पॉलिटिक्स में एथिक्स लाया जाए। ये यहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट में ऐसा स्टेट है, इसीलिए ये सब चीज आई है। ओके, नाउ हाउ टू अचीव स्टेटलेस सोसाइटी? एक क्लासलेस हो गया, दोनों के दोनों चाहते थे स्टेटलेस रहेगा। कैसे? After full development of the forces of production, the state will wither away. Gandhian view क्या था? Non-violence, self-discipline, self-regulation. वहीं से stateless हुआ, अभी पढ़ा हमने ऊपर। Image of a future society. Now future society कैसे होगा? Marxian view का, a self-regulated society ruled by the principle of from each according to his ability, to each according to his need. ये है मार्क्सियन व्यू।
यहाँ पे क्या है, गांधी जी का व्यू, सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी विद सेल्फ डिसिप्लिन इंडिविजुअल्स विद सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोशल नीड्स। तो यहाँ पे गांधी जी का देखोगे तो थोड़ा सेल्फ रेगुलेट तो दोनों का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है। आप अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन, आप अंदर से एथिकल, आप मोरल मोरलिटी के थ्रू ही आप सब करोगे, ठीक है। टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी क्या था, पॉजिटिव। मार्क्सिस्ट वो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करती थी, लेकिन गांधी जी टेक्नोलॉजी पे बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज उनका यह मानना था बिकॉज यूज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। आप अगर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी करोगे तो क्या होता है, जो रिच है वो तो रिच होते जाएंगे, लेकिन जो पुअर पीपल विल बी एट द बैक फुट, ठीक है। तो यहीं से ही आप देखोगे, यहीं से ही वन क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, यहीं से ही आया था लास्ट ईयर, वन क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ठीक है। देखो मैंने ये 2019 में पढ़ाया था, 18/12/2019। सो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है, दिस हिस्ट्री क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आई थी 2020 में, इट वाज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड, अगर आपको पता है आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। ओके, लेबर एक्ट, लेबर लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना जरूरी नहीं है यूपीएससी के लिए, लेकिन अलग अलग एग्जाम के लिए आप एक बार देख सकते हो, नथिंग यहाँ पे इतना कुछ ग्रेट नहीं है। फैक्ट्री एक्ट है, फिर कुछ इंपोर्टेंट नहीं, जहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ प्रोविजंस आए थे बीच बीच में, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। जो आप टेस्ट सीरीज की हो, टेस्ट सीरीज से जितना भी आपको मिल रहा है उतना ही एनफ है, अगर भी आएगा, ओके। बट ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 देख लेना, जो हमने ऑलरेडी पहले पिछले क्लासेस में कर लिया है, ट्रेड यूनियन एक्ट। फैक्ट्री एक्ट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 यू हैव ऑलरेडी डन। बट एक चीज याद कर सकते हो कि कौन कौन से एक्ट के टाइम पे कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, वो आप याद कर सकते हो। ट्रेड, जो पहली बार ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हुआ, तो इट गेव अ लीगल बेसिस टू द ट्रेड यूनियंस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ट्रेड यूनियंस इन आवर लास्ट क्लास। सो ट्रेड यूनियन को लीगल, जो लीगल बेसिस मिला यहां से, जैसे कि AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बन गई थी, ओके, एज लाला लाजपत राय थे प्रेसिडेंट, हमने पढ़ लिया ये। तो ये पहले तो एक बॉडी था, लेकिन उसका जो लीगल बेसिस यहां से मिल गया, तो लॉर्ड रीडिंग थे, ओके। लेकिन उसका एक था कि एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑफिस बेयरर्स हैड टू बी वर्कर्स। सी, ट्रेड यूनियन एक्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेड रिलेटेड है, प्लस ये पहला है, फर्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट था, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। फिर ट्रेड यूनियन 1929 में हुआ, इतना इंपोर्टेंट नहीं है ये, खास करके बंगाल का जो जूट मिल स्ट्राइक हुआ था, तो उस सिलसिले में एक एक्ट पास हुआ, जहां पे द एक्ट प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टीज फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्वेंट्स लॉन्चिंग ए स्ट्राइक विदाउट ए नोटिस ऑफ 14 डेज। यूजुअली स्ट्राइक बिना नोटिस देकर स्ट्राइक करते थे, तो अभी लॉ पे उन्होंने क्लियर कट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रोड की, इफ यू आर नॉट गिविंग अस नोटिस देन सो इट इज नॉट लीगल, ओके, यू हैव टू गिव अस नोटिस। फिर बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1947 फाइनली हुआ लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक चीज आपको बस याद करनी है, यहाँ पे लेबर कोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुए थे। नाउ द थिंग इज, लेबर कोड्स फर्स्ट टाइम दे विल कंफ्यूज यू विद ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। नो, ट्रेड यूनियन में ट्रेड यूनियंस को मिला था लीगलिटी, लेकिन लेबर कोड्स फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुए थे बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट ऑफ 1947, रिमेंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को मोर एफिशिएंटली क्विकली किया गया, दिस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, आप गेस कर सकते हो, लेकिन जो यूनिक पॉइंट्स है यू शुड रिमेंबर, लेबर कोड्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आए हैं, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट ऑफ 1947। कोई भी एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है, इवन यूपीएससी में आ सकता है, ओके ओके। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज द्रविडियन मूवमेंट। सो द्रविडियन मूवमेंट भी उसी वक्त नेशनल मूवमेंट के टाइम पे चल रहा था। नेशनल मूवमेंट हम सबको पता है 1900 से लेकर 1920s में गांधी जी आ गए, 30s में। तो उस टाइम द्रविडियन मूवमेंट क्या था, और ये एक साउथ इंडियन मूवमेंट का पार्ट है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा पॉइंट्स बता देता हूँ। सी, जस्टिस पार्टी से ही स्टार्ट हुआ था द स्टार्ट ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। रिमेंबर, The root of Dravidian movement lies in the Brahmin and non-Brahmin conflict. और इनका जो movement है, हमेशा से जो
ब्राह्मीण एंड नॉन ब्राह्मीण के बीच में जो प्रॉब्लम था उनको वहां से ही शुरू हुआ है जस्टिस पार्टी उनका याद रखना जैसे गांधी जी का फ्रीडम था उनका कॉज जस्टिस पार्टी का फ्रीडम नहीं था कॉज शुरुआत उनका जो बेसिस था ना फ्रीडम नहीं था याद रखना उनका ब्राह्मीण एंड नॉन ब्राह्मीण कॉन्फ्लिक्ट से ही आया है ठीक है हो सकता है फ्रीडम बाद में आई हो लेकिन वे टॉकिंग अबाउट द कहां से शुरुआत हुआ है 1916 में जस्टिस पार्टी हुआ 1916 ठीक है एनिवेशन वगैरह तब काफी फेमस थे गांधी जी जस्ट आए थे बाय नॉन ब्राह्मीण लीडर्स लाइक टी एम नायर चेट्टी एंड मुदलियर जस्ट तीन नाम सरनेम याद रखना नायर चेट्टी एंड मुदलियर ओके मैच द फॉलोइंग या फिर उस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में फिर देख इवन 1920 का इलेक्शंस हमने पढ़ा था 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस हुआ था इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जो मेनली था ड्यू टू कास्ट प्रेजुडिसेस डिस्प्रोपोर्शनेट ब्राह्मणिकल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स वही चीज है जो कास्ट सिस्टम है उनके खिलाफ खास करके जो ब्राह्मण्स को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में मिले थे तो उसके खिलाफ उन्होंने फाइट चालू किया ओके कॉन्ट्रोवर्सीज Controversial activities of Justice Party. They opposed. यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा for exam point of view थोड़ा रहना पड़ेगा. They opposed Annie Besant and her Home Rule League. क्योंकि उस टाइम पे Annie Besant थे. And her Home Rule League तो Annie Besant के खिलाफ हो गए थे. Because they believed that it would benefit more to Brahmins. क्योंकि Annie Besant, Congress वो सब कहीं ना कहीं elite classes को cater करते थे. Okay, इनका कहना था Justice Party का. They campaigned against, remember, they campaigned against non-cooperation movement. They did not support non-cooperation movement. 1920 में चल रहा था उस टाइम तो जस्टिस पार्टी कैंपेन अगेंस्ट के थे उसके खिलाफ सपोर्ट में नहीं थे ड्यू टू गांधी जी प्रेज टू ब्राह्मणिज्म तो नॉट प्रेज इट इज प्रेज गांधी जी थोड़ा क्या ब्राह्मण को प्रेज कर दिए तो दे डिड नॉट सपोर्ट ओके पर द थिंग इज गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट ओनली ब्राह्मणिज्म वी नो हमने गांधी जी का पूरा स्टोरी पढ़ा है गांधी जी सबका लाइक सपोर्ट करते थे बट ऑब्वियसली एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल यू विल हैव वन क्रिटिक और द अदर क्रिटिक कोई यूनिटी नहीं था हमारा यहाँ ओके ठीक है जस्टिस पार्टी का जो मिस्ट्रस्ट विद आईएनसी मेड इट हॉस्टाइल अगेंस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्योंकि जस्टिस पार्टी कहीं ना कहीं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ट्रस्ट नहीं जमा पाया क्योंकि नेशनल कांग्रेस में थोड़ा इलीट पीपल थे और वो पीजेंट कॉज नहीं करते थे तो रीजन है तो दैट इज वाई कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जस्टिस पार्टी का लाइक पार्टिसिपेशन कम रहा पीरियड इन पावर इज रिमेम्बर्ड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए उन्होंने ज्यादा जो काम किया है जो पावर में प्रोविंसेस में मद्रास प्रेसिडेंस में जितना भी उन्होंने किया है वो ज्यादा से ज्यादा वो कास्ट बेस्ड के लिए लड़ा है ओके ऑल्सो रिमेंबर फॉर एंटी हिंदी एजिटेशन ऑफ 1937 अब देखो 1937 में भी इलेक्शंस हुए थे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मैंने बोला था सी राजगोपालाचारी वहां पे जीत के गए थे एंड सी राजगोपालाचारी वॉज कहीं ना कहीं फ्रॉम आईएनसी गांधी जी के सपोर्टर भी थे और सी राजगोपाल जब जीत के गए मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने हिंदी को कंपलसरी बना दिया जब हिंदी को कंपलसरी बना दिया तो ये जो जस्टिस पार्टी है उन्होंने उसके खिलाफ एंटी हिंदी एजिटेशन किया और राजगोपालाचारी को इतना वाहवाह नहीं मिला उस टाइम पे बिकॉज साउथ में हिंदी को जबरदस्ती लाया गया इट वॉज अगेंस्ट पॉपुलर थिंग राइट पीपल वेर नॉट इन टू हिंदी एंड सी राजगोपालाचारी का जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स चैप्टर में हमने पढ़ा था ओके फिर ये एक जस्टिस पार्टी का हो गया ओके फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये भी चल रहा था बीच में 1924-25 में आया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में ईवी रामस्वामी नाइकर और पेरियार बोलते हैं ओके 1925 ऑब्जेक्टिव क्या था खास करके वही आसपास ऑब्जेक्टिव ही था इक्वल राइट्स टू अगेन नॉन ब्राह्मण्स कास्ट बैकवर्ड क्लासेस को एंटी ब्राह्मणिज्म सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस करेंगे जो कि विदाउट विदाउट ब्राह्मीण प्रिस्ट ठीक है वेरी कॉमन स्टफ ये सब हमने पढ़ा है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड वाइकम सत्याग्रह दोनों अलग है बट कहीं ना कहीं रिलेटेड है वाइकम सत्याग्रह हमने पढ़ दिया है पढ़ रखा है वाइकम सत्याग्रह के पी केशव टी के महादेवन ठीक
ठीक है, टीके माधवन वर्ड याद रखना, केपी केशव सबको पता है, टीके माधवन कहीं ना कहीं इनिशियली स्टार्ट किए थे वाईकम सत्याग्रह, फिर केपी केशव ऐड हुए। कुछ बुक्स में तो बस केपी केशव ही लिखा है, लेकिन टीके माधवन वॉज द वन हु इनिशियली स्टार्टेड। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी चल रहा था साइड बाय साइड। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, तमिलनाडु पास्ड अ लॉ एंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज हिंदू मैरिज विदाउट ब्राह्मण प्रिस्ट। ठीक है, फिर और एक पार्टी द्रविड़ कज़गम, द जस्टिस पार्टी कुड नॉट कंटिन्यू इट्स पॉपुलरिटी, कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी नहीं हुआ। एंड इन 1936 नो पार्टी कैंडिडेट वॉज इलेक्टेड टू द प्रोविंसेस, इनका कोई जीता नहीं जस्टिस पार्टी से, कौन सी था, कांग्रेस ने जीता था, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट सी राजगोपालाचारी को भेजा था और उन्होंने जीता 1937 में। आफ्टर द डिफीट जस्टिस पार्टी अप्रोच्ड पेरियार, तो वहां पे जो डिफीट हुआ जस्टिस पार्टी का, दे अप्रोच्ड पेरियार एंड जस्टिस पार्टी केम अंडर हिम, पेरियार के पास गए जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, तो उनके अंडर में आ गया। उन्होंने डिसाइड किया हु डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड ट्रांसफॉर्म द जस्टिस पार्टी इनटू अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द्रविड़ कज़गम। तो जस्टिस पार्टी आफ्टर 1937 इलेक्शंस हारने के बाद पॉपुलरिटी कम हो गया, पेरियार के पास गया, पेरियार के अंडर आके उन्होंने क्या किया, जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कज़गम बनाया इनटू अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर द्रविड़ नाडु इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस पेरियार बॉयकॉटेड द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, पेरियार ने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन को बॉयकॉट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश डोमिनेंस विल नाउ बी रिप्लेस्ड बाय डोमिनेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द कांग्रेस वाज लेड बाय ब्राह्मिन्स। उन्होंने बोला कांग्रेस अभी इंडिपेंडेंस हो गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस ब्राह्मिन्स में ज्यादा है तो नॉर्थ इंडिया डोमिनेट करेगा। देयरफॉर ही स्टार्टेड अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट साउथ इंडिया नेशन, दैट इज द्रविड़ नाडु। However, other party leaders, जैसे कि C.N. Annadurai, did not support this. ठीक है? After the 16th amendment, हमारा जो 16th amendment हुआ around 1956 के आसपास, that is the anti-secessionist amendment, which declared the secessionist tendencies illegal, the demand for Dravid Nadu faded away. सरकार ने, हमारा जो कांग्रेस सरकार सेंटर में, उन्होंने एक amendment किया, जहां पे इस प्रकार के जो secessionist अलग होने का जो था, उनको illegal बता दिया। तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट भी वहां पे फेड हो गया, बंद हो गया। फिर क्या हुआ, द्रविड़ कज़गम तो था ही, सो स्प्लिट हुआ द्रविड़ कज़गम एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएमके। पेरियार मैरिड टू ए वुमन हु वाज 40 इयर्स ओल्ड, सो स्प्लिट हैपेंड ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन पेरियार एंड अदर पार्टी मेंबर्स। ठीक है, तो सीएम अन्नादुराई ने क्या किया, ही फॉर्म द न्यू पार्टी, दैट इज द डीएमके। तो द्रविड़ कज़गम से पार्टी बना डीएमके। फिर AIDMK कैसे बना, डीएमके में एक स्प्लिट हुआ। ठीक है, सीएम अन्नादुराई का डेथ हो गया, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन एमजीआर एंड पार्टी प्रेसिडेंट करुणानिधि, एमजीआर और पार्टी करुणानिधि के बीच में प्रॉब्लम हुआ। एमजीआर वाज सस्पेंडेड फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज, सो एमजीआर फाउंडेड ए न्यू पार्टी, दैट इज AIDMK। ये सब जो डिफरेंस हुआ है, क्या हुआ, ये सब ये जो थलाई भी मूवी अभी आई थी उसमें सब क्लियर कट दिखाया गया है। ओके, करुणानिधि इनके बीच में जो हुआ, तो क्रिटिकल एनालिसिस क्या है द्रविड़ियन मूवमेंट ओवरऑल अगर देखोगे, उसके बाद और जरूरी नहीं, उसके बाद तो अभी रिसेंट पॉलिटिक्स है वो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि इट फेल टू लिबरेट वुमेन एज वेल एज अ लोअर कास्ट, कुड नॉट एंश्योर इक्वल राइट्स फॉर देम। मतलब जिस लेवल से ये शुरुआत हुआ था कि हाँ लोअर कास्ट के लिए हम करेंगे, वुमेन के लिए करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया, सक्सेस उस हिसाब से नहीं हो पाया। आज भी वहां पे कास्ट है, आज भी अगर बात करेगा आई गेस बहुत ही ज्यादा कास्ट फीलिंग वहां पे भी है। इंटीरियर एरिया में जाओगे बहुत ही चलता है, वैसे कास्ट तो हर जगह चलता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ था वैसा नहीं हो पाया। वुमेन कन्फाइंड ओनली टू तमिलनाडु, हम साउथ इंडियन की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बस तमिलनाडु में ही थोड़ा बहुत दिख गया, बाकी हर जगह वही है। ओके, दो इट स्ट्रेंथन द मिडिल क्लास बट विदाउट प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स लोअर कास्ट रिमेन सब्जुगेटेड। अब लोअर क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स भी चाहिए, बट प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स हुआ नहीं, सो कहीं ना कहीं लैंड लोअर क्लास भी वही सब्जुगेट, दे रिमेन सब्जुगेटेड।
डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस कुछ अच्छा भी है, दे वर सक्सेसफुल इन एबोल्यूशन ऑफ देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम तो चलता था काफी, जो चोला के टाइम से, एंशियंट टाइम से चलता है बहुत मंदिर में, वो सब एबोलिश किया, वो अच्छा चीज है। इंटरकास्ट मैरिज हुआ वहां पे, इंटर रिलीजन मैरिज हुआ, सेल्फ सेक्रीफाइस मैरिज से जो विदाउट ब्राह्मीण प्रिस्ट हो, जो इन टूडेज टाइम ऑल्सो विदाउट ब्राह्मीण प्रिस्ट भी होता है, लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज विदाउट ब्राह्मीण प्रिस्ट आज भी होता है वहां पे, एंड रिड्यूसिंग ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, जो ब्राह्मणिकल का जो डोमिनेंस था वो कम हो गया। ठीक है, ओके। नाउ सम अदर नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में नॉन ब्राह्मीन खास करके मैं बोल रहा हूँ। ओके, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द 19th एंड 20th सेंचुरी गेव राइज टू द नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट। आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर ऑल द क्वेश्चन यही से बनते हैं। क्या क्या फैक्टर है, तीन से चार फैक्टर, दे विल पुट ए बी सी डी करके एंड दे विल पुट 1, 2, 2 एंड 3 वैसा करके पूछेंगे। तो पहला क्या, खास करके तो 19th सेंचुरी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स, दो मोस्टली पैनल पे अपर कास्ट हिंदूज कंडेम द कास्ट सिस्टम। देखो 19th सेंचुरी बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे, राजा राममोहन रॉय से लेके बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्म मूवमेंट्स होते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इफेक्ट दिया कि साउथ और वेस्टर्न में और एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यस, वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड जो हो गया कहीं ना कहीं गेव ए बूस्ट, कि मतलब वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ोगे तभी जाके आपको पता चलेगा ना कास्ट प्रॉब्लम क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती है, तो ये भी एक पॉइंट है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी कब हुआ, 1860 लॉ मैकॉले कमीशन 1833 में बना था, आईपीसी हुआ 1860 में। तो जब ये सब चीज भी आ गया तो लोगों को और चीजें पता चली कि हाँ वी शुड वी नाउ वी नो द लॉ वी विल लाइक हम अवेयरनेस और लाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क वेर एवर एवरी इंडियन कुड बाय टिकट ऑफ एनी क्लास एंड ऑक्यूपाई एनी सीट अवेलेबल, ये भी हुआ। ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। तो ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कर सकता है ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये भी काफी आप गेस कर सकते हो, बाकी सब पॉइंट्स आप गेस ही कर सकते हो अगर पॉइंट आएगा कि व्हाट गिव राइज टू नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट्स। ओके, सो द अबव फैक्टर्स क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट इन विच कास्ट सिस्टम कुड नो लॉन्गर बी डिफेंडेड, दे क्रिएटेड अ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग लोअर कास्ट एंड दे देमसेल्व्स टुक अप ऑन द टास्क ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर कास्ट इक्वालिटी। ओके, अब देखो रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट स्ट्रैंड्स। अर्ली रेडिकल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले, हमने कवर किया है, हमने फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री का फर्स्ट या सेकंड क्लास में ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत ही रेडिकली शुरू किए थे, टू सॉर्ट ए रिवोल्यूशनरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड रैशनलिटी। मॉडरेट लीडर्स फिर लेटर एम जी रानाडे ऑल्सो काफी आए थे, लेकिन ज्योतिबा फुले द रेडिकल एग्रेरियन, उनका मैंने एक चीज बताया था, इफ यू रिमेंबर, ज्योतिबा फुले वॉज द रेडिकल एग्रेरियन, सब यूज कर सकते हो मेंस में। ओके, सो इट वॉज द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ फुले दैट गेव राइज टू नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का बहुत हाथ है, जो रेडिकल जो ब्राह्मण जो टॉप क्लासेस जो इसको सब्जुगेट करके रखते थे लो क्लास को। ठीक है, ओके, हमने इसका डिटेलिंग किया, अभी थोड़ा यहाँ पे भी पढ़ लेंगे और एक बार। नॉन ब्राह्मीण मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया, ज्योतिराव गोविंदराव फुले एंड सत्यशोधक समाज उनका था। तो ये लो कास्ट में जन्म लेते माली फैमिली, तो इन्होंने जो नॉन ब्राह्मीन्स का जो डिग्रेडेड पोजिशन था उनको अवेयरनेस लाया, ये सब चीज और जरूरी नहीं है। तो उन्होंने ही जस्ट ये इन सर्च ऑफ ट्रूथ फुले रेड द होली बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियंस इंक्लूडिंग क्रिस्टियनिटी इस्लाम बुद्धिज्म जैनिज्म, सब पढ़ा उन्होंने। ही जज देम इन द लाइट ऑफ इक्वालिटी एंड रैशनलिटी। ठीक है, द कास्ट सिस्टम ऑल्सो रिजर्व्ड ए लाइफ लॉन्ग स्लेवरी फॉर द शूद्रास। कास्ट सिस्टम देखा कि ये कास्ट सिस्टम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने कंप्लीट ही कॉल फॉर कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑथोरिटेरियन फैमिली सिस्टम एज वेल एज सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, सबके लिए उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, तो रिजेक्शन ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो ऑब्वियसली कॉल्ड फॉर रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स सुपरस्टिशंस। दस फुले टर्न्ड इनटू अ सोशल रेबल, कॉल्ड फॉर अ कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कंप्लीट रिजेक्शन, कहीं ना कहीं बाद में जो बी आर अंबेडकर लेके आए, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम।
which was sustained by the irrational and inequitable institution. So B.R. Ambedkar was not the only nationalist who believed in complete rejection of the caste system. Even Jyotirao Phule, बहुत उनसे पहले भी उन्होंने किया था. हमको लगता है कि बस बी आर अम्बेडकर ही है. बी आर अम्बेडकर तो बाद में आए, बट उनसे पहले शुरुआत तो इन्होंने कर रखा था पहले से. ओके, इवन आ सकता है कि बी आर अम्बेडकर वॉज द ओनली वन फ्रॉम महाराष्ट्र हु बिलीव्ड इन कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम. नो, ज्योतिराव फुले वॉज ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र. ओके, तो ये सब चीज हुआ. उन्होंने वेदास को आर्ग्यू किया, आर्यंस हट का वो सब चीज, जो कि एंटी ब्राह्मीन चीज, सबको उन्होंने एंटी ब्राह्मीन चीज को क्रिटिसाइज किया. ओके, फिर उन्होंने ऑल्सो आप और एक चीज, जो जाहिर सी बात है अगर एंटी ब्राह्मीन होंगे तो आईएनसी के खिलाफ भी विल टेल, बिकॉज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं ना कहीं वॉज कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली ब्राह्मीन्स और इलीट क्लासेस. सो ही वॉज एवर क्रिटिकल ऑफ द आईएनसी लीडर्स फॉर देयर नेग्लेक्ट ऑफ द लोअर कास्ट और डाउन ट्रोडन. ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ फुले रिवीजन कर देंगे फटाफट, सब पता है हमको, कुछ नया नहीं है. तो इक्वालिटी, कॉज ऑफ एजुकेशन इक्वालिटी, ये सब किए. गर्ल्स स्कूल पुणे में किए थे ऑल्सो, कॉमन फैक्ट, हमारा फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था. तो 1851, ठीक है, फिर 1854 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट ए स्कूल फॉर द अनटचेबल्स. नाउ दिस स्टेटमेंट कैन पुट यू इन ट्रबल इफ इट कम्स फॉर बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर बहुत बाद में, उन्होंने भी स्कूल किया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी किया 1944 में, बहुत कुछ चीज किया, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. बट 1854 की बात हो रही है, 1854 में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट ए स्कूल फॉर अनटचेबल्स, नॉट बी आर अम्बेडकर. फिर विडो रिमैरिज के लिए भी उन्होंने, वो जो मूवमेंट था महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने ही किया था. 1873 में स्टार्टेड सत्यशोधक समाज, काफी कॉमन है, सबको पता है, इट वाज ए सोशल रिफॉर्म सोसाइटी और सोसाइटी फॉर फाइंडिंग ट्रुथ, की इक्वल राइट्स दिया जाए लोअर कास्ट को. पुले मेड जनरस यूज ऑफ द प्रिंट मीडिया को यूज किया टू प्रोपेगेट हिज आइडियाज एंड रोट एक्सटेंसिवली इन मराठी लैंग्वेज. ओके, ज्योतिराव फुले का क्वेश्चन इस बार आई गेस आया था कहीं ने मेंस में, या कहीं पे मेंस में आया था आई गेस, इस बार हमने कवर भी कराया था, वन मेंस क्वेश्चन फुले का आया था इस बार. ओके, सो आएगा क्वेश्चन, आएगा तो राइट इट, पॉइंट्स के साथ आपको लिखना पड़ेगा. ओके, तो उन्होंने ये सब चीज हमको ऑलरेडी पता है, रिवाइज कर लेंगे. दिन बंधु, ठीक है, मराठी जर्नल किया था, जहाँ पे वो जो ऑपरेसिव कैरेक्टर ऑफ द आर्यन वैदिक ट्रेडिशन, जो आर्यन का जो वैदिक ट्रेडिशन इज मोस्टली जो ब्राह्मणिक डोमिनेशन, राइट, तो उनके खिलाफ बोला. देखो दीन बंधु बहुत कुछ है, तीन तीन जगह हमने दीन बंधु पढ़ा है, हमने सीआर दास के तरह देश बंधु भी है, फिर और एक दीन बंधु, एक एक किसको इसको बोलते हैं, सी एफ एंड्रयूज, तो दीन बंधु बोलते हैं या देश बंधु बोलते हैं, तो चेक कर लेना, तो कॉमन काफी सिमिलर साउंडिंग है, तो थोड़ा उसको ध्यान से देखना. फिर गुलामगिरी वेरी फेमस, फुले ने लिखा था 1873 में, वेर ही एलेबोरेटेड अपॉन हिज व्यूज ऑन द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ शूद्राज स्लेवरी एंड कंपेयर्ड टू द स्लेवरी ऑफ द ब्लैक्स इन अमेरिका. गुलामगिरी में जो अमेरिका का सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में भी मेंशन है यहाँ पे, वहां पे जो स्लेवरी होता था उनके साथ कंपेयर किया. सटकर या चासूद, ये भी हमने पढ़ा है. द व्हिप कॉर्ड ऑफ द पीजेंट, पीजेंट के बारे में हमने बोला था, फुले वाज एन रेडिकल एग्रेरियन, पीजेंट्स के बारे में भी उन्होंने बहुत ही रेडिकल वे में लिखा था, सटकर या चासूद. इशारा भी हमने पढ़ा था, इशारा एक पैम्पलेट है. पब्लिश द फुलेज मेन आइडियाज ऑन इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ द एग्रेरियन क्लासेस इन 1885. अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पीजेंट्स, ही एक्सटेंडेड हिज होल हार्टेड सपोर्ट टू द पीजेंट्स इन द स्ट्रगल. ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पीजेंट्री क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स. ठीक है, मतलब तब से टाइम देखो, बहुत पहले पहले 1885, मतलब जब आईएनसी जस्ट शुरुआती दौर हुआ था, उन्होंने पीजेंट क्लास के बारे में बात किया था. He opposed the Indian National Congress for failing to take up the peasant cause. क्योंकि initial days में peasant cause तो लिया ही नहीं. Peasant cause INC लिया जाके 1930s में, खास करके 1936, जब Congress Socialist Party 1934 में आया, उसके बाद ही हुआ. तब तक ये नहीं लिया था Congress ने peasant cause. Okay, तो ये सब चीज हुआ था. फिर 1890 में उनका death के बाद सत्यशोधक समाज बहुत ही स्टेडिली डिक्लाइन कर लिया. ओके, इतना ही लिखना है, मेंस का इस बार आ गया, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, किसी और का आ सकता है. सो इसको जब रिवाइज करोगे, मेरे कॉन्ट्रीब्यूटर के नोट्स देखोगे,
और इसके साथ कंपेयर करोगे, वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वहां पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके सेम ये इतना ही है आई गेस, काफी कॉमन है। सत्यशोधक समाज, अब सत्यशोधक सर कोल्हापुर में भी एक बना था, वो काफी थोड़ा देर थोड़ा टाइम में के बाद बना, 1913 में, ठीक है आपको याद करना पड़ेगा। सत्यशोधक समाज कोल्हापुर में किसने, छत्रपति साहू महाराज, ही एस्टेब्लिश द समाज इन कोल्हापुर, ठीक है। तो वही नॉन ब्राह्मीण आपको याद करना है, नॉन ब्राह्मीण को अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। ही वेज्ड अ मेजर बैटल फॉर गेनिंग क्षत्रिय स्टेटस फॉर हिज कम्युनिटी आफ्टर द 1919 पोस्ट द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ही डिमांडेड अ स्पेशल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन द काउंसिल्स। दिस वॉज नथिंग बट ए बिटर ऑफ फुलेज आइडियोलॉजी एंड ओनली परचुएटेड क्लास इनइक्वालिटीज। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं काम किया है। आपको बस देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जस्ट आपको ये वर्ड याद करना है, साहू महाराज याद करना है, 1813 याद करना है, और कुछ नहीं चाहिए, और एंटी ब्राह्मीण, दैट्स इट। बिकॉज मैच द फॉलोइंग या फिर करेक्ट फॉलोइंग है या नहीं, करेक्ट मैच है या नहीं, वैसा क्वेश्चन आता है। फिर आ जाओ साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में अभी हमने पढ़ा, साउथ इंडिया सबसे बड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, उससे पहले जस्टिस पार्टी आ गई थी, जस्टिस पार्टी 1916, रिमेंबर जस्टिस पार्टी 1916, अभी पढ़ा ऊपर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 और 1925 भी बोल सकते हो। ओके तो ये जो है ड्यूरिंग द 1887 एंड 1904 का जो फेज था, सेवरल तमिल टेक्स्ट वर पब्लिश्ड सच एज पट्टू पट्टू, मणि मेकालाई, सिलापतिगरम, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब संगम एज का है, संगम एज का पार्ट है जो हमने एंशियंट क्लासेस में पढ़ा है। तो ये सब चीज बहुत ही पब्लिश होने लगे, और ये जब पब्लिश होने लगे तो कहीं ना कहीं हमको उस टाइम पे क्लासिकल द्राविडियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, और उनको ये भी पता चला कि इट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्यन एंड संस्कृत कल्चर, यू हैव टू नो नथिंग सिमिलर पिक्चर ऑफ द, जो ये जो चीज है जो हमने पढ़ा था एंशियंट में, दिस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्यन एंड संस्कृत कल्चर। सम तमिल स्कॉलर्स ऑल्सो प्रोपेगेटेड दैट द द्राविडियंस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया व्हाइल आर्यंस वर द आउटसाइडर्स हु ब्रॉट द एविल कास्ट सिस्टम विद इन देम, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज अभी रिसेंटली हमारा जो एक्सकवेशन हुआ है करंट अफेयर्स में, ये बोला गया है कि आर्यंस वेयर इंडियंस ओनली, इंडिया से ही आए थे। ओके लेकिन सम यहाँ पे सम की बात है, सम तमिल स्कॉलर्स। ओके इट वॉज दिस रीडिस्कवर्ड सेंस, इट वॉज दिस रीडिस्कवर्ड sense of distinct identity which expressed itself in the form of non-Brahmin movements after 1960. आपको reason जानना है क्यों आया है, ठीक है उस हिसाब से अगर थोड़ा यूपीएससी घुमा के पूछ लेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, स्टेट एग्जाम्स में तो इतना आता नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन घुमा के पूछो यू शुड नो कि ये सब सिविलाइजेशन हुआ था द्राविडियन का, जो एंशियंट सिविलाइजेशन का जो संगम का जो बुक्स है वो भी एक इफेक्ट लाया है इन द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। You can't link, अगर क्वेश्चन आएगा ना आप लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। जस्टिस पार्टी उससे पहले बना, फिर जस्टिस पार्टी बना 1916 मद्रास में, तो नॉन ब्राह्मिन रिजेंटमेंट टुक अ पॉलिटिकल फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये पॉलिटिकल फॉर्म मतलब अगर वो पूछेगा कि जस्टिस पार्टी वॉज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली, नो सोशल तो वो 1945 में बना, अभी पढ़ा हमने, आफ्टर इट जब 1937 इलेक्शन हारने के बाद हो गई, पेरियर के अंदर में वो बना, पहले तो वो पॉलिटिकल ही था, पहले ये पॉलिटिकल ही है, ठीक है। सो वो सेंटेंस के अंदर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ द, रिमेंबर दिस नेम, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, हमारा नॉर्मल जो लिबरल फेडरेशन है, नेशनल लिबरल फेडरेशन, वो नॉर्थ में बना था, नाम बताओ, लिबरल पार्टी, एम आर जयकर और एक नाम क्या था बताओ, एनीवन, एम आर जयकर, दूसरा नाम क्या था, एस एन बैनर्जी, ओके एस एन बैनर्जी फाउंडेड, और एक इनू मसानी, नो मसानी कैसे आएगा, मैं लिबरल पार्टी की बात कर रहा हूँ 1920 में, 1990, हाँ सप्रू, आसानी नहीं है,
तो ये शुरुआत किए थे नेशनल लिबरल फाउंडेशन और नेशनल लिबरल पार्टी, एम आर जयकर भी थे, सप्रू भी थे, ठीक है। तो सिमिलरली साउथ इंडियन उसी टाइम आसपास, उसी टाइम के आसपास, उससे वैसे उससे पहले 1916, रिमेंबर ये 1916 साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन पहले आएगा। नॉर्थ इंडिया तो यूज नहीं होता है, नॉर्मल लिबरल फेडरेशन आएगा अगर नेशनल लिबरल फेडरेशन, वो 1919 और 1920 तो उसके बाद आया है। तो क्रोनोलॉजी 1965 में एक इंडियन लिबरल ग्रुप था, उसका फाउंडर भी था ये मीनू मसानी, तभी मैंने गलती से। अच्छा, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ 1965। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बहुत आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन डालना, एक या दो तीन क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आएंगे, तो माइंड में रख देना कि 1916 में पहले साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन आया था, ऊपर का जो एम आर जयकर और एस एन बैनर्जी और सप्रू का, वो उसके बाद आया, दो तीन साल बाद आया है, ठीक है। तो इसका नायर, चेट्टी एंड मुदलियर, ऐसे याद करोगे, ठीक है। द पार्टी क्लेम टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल नॉन ब्राह्मण इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब नाउ मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ वो क्या करेंगे, और एक प्रेसिडेंसी का ऐड कर देंगे, पूरा गलत। इट इज टोटली इनटू साउथ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, अनटचेबल्स। वो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, बस इनको रखेंगे, नो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, अनटचेबल्स। द इनिशियल डिमांड ऑफ द जस्टिस लीडर्स वॉज टू सिक्योर रिजर्व्ड सीट्स in the provincial councils and was slowly extended to concessions in educational institutions, public appointments. Aista aista demand badhta gaya, pehle to unka reserved seats ke liye tha, fir aista aista educational institutions mein, public appointments mein concession ke liye unhone apna demand rakha. However, during the 1920s a conflict arose within the party as some members began to feel that the party should not restrict itself to the narrow quest for reservations and jobs but should also be working for reform and regeneration of the society, non-Brahmin society and culture. तो लगा कि थोड़ा हमको और बड़ा करना चाहिए हमारे डिमांड्स को, इट वाज ओनली नाउ वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द ओनली रिजर्वेशन एंड जॉब्स, वी शुड आल्सो गो फॉर टोटल रीजनरेशन ऑफ आवर सोसाइटी एंड कल्चर। दस लीडर सच एज नायकर आ गए, तो कहीं ना कहीं नायकर फिर आके एक सेपरेट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के 1924 में, जो हमने बोला अभी, गिविंग अ न्यू लीज टू द लाइफ ऑफ द नॉन ब्राह्मिन मूवमेंट इन मद्रास। तो कनेक्ट करो एक के बाद कनेक्ट करो क्या क्या हुआ था। ओके, तो लिंक है, फिर भी अलग है, लिंक है जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में, लेकिन फिर भी अलग है। क्यों? बीच में जो लिंक करता है, क्या करता है, दिस इज द लाइन, ये जो लाइन है, ये जो चीज है कि नैरो मत करो, दिस इज द लाइन विच कनेक्टेड वन स्टेप टू अदर स्टेप, कैसे गया वो। ओके, नेक्स्ट, फिर नायकर का बारे में पढ़ेंगे, पेरियार जिसको बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। So he rebelled against the caste system early in life. 1919 he joined. Even he had joined the Indian National Congress. Remember, Nayakar initially mein wo Congress ke member tha. Fir wo bahar kuch saal baad he left the Congress. But initially he was Congress and emerged as the hero of the Vaikom Satyagraha. Aur Vaikom Satyagraha jo unhone kiya tha, KP Keshav, Nayakar, fir TK Mahadevan, ye sab Vaikom Satyagraha mein the. Even Vaikom Satyagraha was totally endorsed by the Congress. गांधी जी सपोर्ट किए थे, इन्होंने गांधी जी को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन गांधी जी गए थे, सपोर्ट भी किए थे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट क्योंकि गांधी जी डिड नॉट टेल एनीथिंग अगेंस्ट द वैदिक आश्रम धर्म शास्त्र जो है, जो वो चाहते थे कि पूरा का पूरा जो कास्ट सिस्टम को हटाया ना जाए, बस रिफॉर्म किया जाए, गांधी जी चाहते थे। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई देम, लाइक द वाइकम सत्याग्रह पीपल। सो ही Soon he attempted on the Hindu mythology and went to the extent of advocating the burning of Manu, Dharma, Shastras and Ramayan. Remember, जैसे कि मनु स्मृति को अंबेडकर ने जलाया था एज द मनुस्मृति दहन दिन, सिमिलरली राम नायकर एडवोकेटेड, यहां तक भी कहते थे कि जला दो मनु धर्म शास्त्र को, इवन रामायण को, वेरी बिग थिंग। In 1925, he resigned from the INC as he felt that the party was serving only upper caste interest. Henceforth, he emerged as a radical social reformer. 1927, he even broke off with Gandhi on the issue of Varnashrama Dharma, which we have already read. Varnashrama Dharma. Gandhi ji supported this Varnashrama Dharma, which is the fourfold caste system. Gandhi ji always supported. His followers call him Thanthai. पेरियार सबको पता है, दिस वर्ड रिमेंबर, थंथाई मतलब फादर, ठीक है।
ओके तो उन्होंने पेरियर के का थोड़ा वर्क्स देख लेंगे, डायरेक्ट मेंस क्वेश्चन आएगा यही सब लिखना है. लाइक फुले इन महाराष्ट्र ही आल्सो अटैक द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मण डोमिनेशन, ही स्टूड फॉर इक्वालिटी बेसिक डिग्निटी. ओके उन्होंने बोला कि रिलीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, ये जो रिलीजन है इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल स्टेटस ऑफ नॉन ब्राह्मण्स एज वेल एज वुमेन, वुमेन के लिए भी. रिलीजन को रिजेक्ट किया, rejected religion and scriptures as the guiding principle of social reorganization or social organization. Religion nahi hai, scripture nahi hai. He rejected Hinduism as an instrument of Brahmanical control, the laws of Manu as inhuman and Puranas as fairy tales. He opposed the imposition of Hindi on Dravidians. Hindi ko impose jabardasti south mein impose mat karo, he opposed. As an iconoclast, he took the caste name boards on hotels, cut off holy thread of the Brahmins, beat the deities with chappals, broke idols and advocated burning scriptures. So, काफी controversial है ये, ठीक है? He encouraged non-Brahmins to do, because देखो radical बन गए ना because of this word, radical बन गए. He encouraged non-Brahmins to do away with the services of the priest in various ceremonies or self-respect marriage popularized किया जहाँ पे आपको बिना ब्राह्मण प्रिस्ट का शादी हो सकती है. Such marriages were solemnized without the Brahmin priest. The groom and bride took a simple vow that they would accept. तो उन्होंने पूरा का पूरा काफी रेडिकल बन गए. इनिशियल इट वॉज गुड, अगर देखोगे उनका जो जर्नी देखोगे तो कैसे वो नॉर्मल चीज से कैसे रेडिकल बनते हैं. दिस ऑल्सो कैन कम एज ए मेन्स क्वेश्चन, इनके बारे में एक स्टेटमेंट डाल देंगे डबल कोट करके, तो मीनिंग विल बी कैसे उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नाइकर का, तो वो भी आप यहां से लिख सकते हो. जहां पे ब्राइड एंड ग्रूम ने सिंपल वाउ लिया कि दे एक्सेप्ट ईच अदर एज इक्वल पार्टनर्स इन लाइफ, एक्सचेंज गार्लैंड्स, टुक द ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स. इंटरेस्टिंगली सेवरल सच मैरिजेस वर आल्सो इंटरकास्ट, सो इंटरकास्ट मैरिजेस भी वहां पे हुआ. इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एमेंसिपेशन ही एडवोकेटेड देयर फ्रीडम ऑटोनॉमी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. ही पैशनेटली एडवोकेटेड वुमेन्स राइट्स इन द फील्ड ऑफ मैरिज, रीमैरिज, डिवोर्स एंड बर्थ कंट्रोल. ही अटैक्ड द पैट्रियार्कल नोशन ऑफ वुमेन्स चैस्टिटी और करपू, ठीक है? फिर 1925 में स्टार्टेड इस पेपर कुडियारसु, वेरी फेमस, आ सकता है कभी भी क्वेश्चन, कुडियारसु बहुत बुक्स में लिखा है. 1939 ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जस्टिस पार्टी. द मेन लिमिटेशन ऑफ रामास्वामी इज मूवमेंट लेन इट सोशल बेस, लेकिन बेस नहीं बढ़ा पाए, विच रिमेंड लिमिटेड. तो बेस लिमिटेड, आप ये मत समझना है कि साउथ इंडिया में थे तो बेस बहुत बढ़ गया था, नहीं वैसा कुछ नहीं था, ठीक है? अगर वैसा होता तो जस्टिस पार्टी शुड हैव वन द 1937 इलेक्शंस, नहीं हो पाया, इलेक्शन आईएनसी ने ही जीता, ठीक है? वैसा नहीं था, वो चाहते थे करने के लिए लेकिन हो नहीं पाया. इवन राजगोपालाचारी कांग्रेस के मेंबर जीत के गए थे. ओके सो इट वॉज लिमिटेड टू द अपर नॉन ब्राह्मण कास्ट, इट वॉज नॉट सोशल बेस, काफी लिमिटेड था. इट कैन कम एज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन. In an attempt to expand his influence, Periyar merged the self-respect with Justice Party 1944 में to form the Dravid Kazhagam, और उसको social बना दिया, जो हमने already first आज के class के first में हमने पढ़ा था, जिसको हम Dravidian Federation बोलते हैं. और इसी Dravid Kazhagam से कैसे DMK बना, फिर DMK से कैसे AIDMK बना, वो हमने already पढ़ रखा है. This changed the character of Periyar's earlier social reform movement. Henceforth, the non-Brahmin movement got increasingly engaged in narrow electoral politics. उसके बाद जाहिर सी बात है DMK AIDMK कैसे आके जिस movement से शुरुआत हुआ था उस movement पे हो नहीं पाया, सब politicization हो गया, जो कि आज तक चल रहा है, till today's time भी. जो मतलब जो तमिलनाडु politics है, जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स किसी ने अगर फॉलो किया उसको पता चला कि स्टार्ट कैसे हुआ था तमिलनाडु पॉलिटिक्स और आज के डेट में क्या है. तो यही है तमिलनाडु पॉलिटिक्स का पूरा हिस्ट्री एंड टिल मॉडर्न अपने पहुंच गए. तो स्टार्टेड फ्रॉम ए प्योरली सोशल, बिकेम रेडिकल, अगेन सोशल, देन अगेन पॉलिटिकल, ठीक है? कुडियारसु रिमेंबर करना, कुडियारसु के साथ वो दे कैन मिक्स, बिकॉज नाइकर, मुदलियर, नायर, चेट्टी एंड दैट द अदर गाय टीके माधवन एंड केपी केशव, ये जो चार पांच नाम है वेरी कंफ्यूज करता है. यू शुड नो एग्जैक्टली किसने क्या किया है. कुडियारसु इज पार्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब पेरियार, दैट्स इट. डू नॉट गेट कंफ्यूज विद केपी केशव. केपी केशव, टीके माधवन, दे आर ऑल ठीक है पार्ट है, बट दे आर ऑफ दैट वाइकम सत्याग्रह. रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज.
रामस्वामी नायकर ने बोला था कि देर आर सर्टन थिंग्स विच कैनॉट बी मेंडेड बट ओनली एंडेड. ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म इज वन सच. नाउ एक चीज याद रखना, दिस स्टेटमेंट अगर आएगा किसने बोला है, 100% 99% विल गो विद बी आर अम्बेडकर. इफ यू डू नॉट नो ऑल्सो यू विल सॉल्व दिस, यू विल टेक अ चांस बिकॉज स्टेटमेंट से लग रहा है यही, और यही पे यूपीएससी प्ले करता है. आपको लगेगा आप एक अटेम्प्ट लोगे और वो चाहता है कि आपको गलत हो, नेगेटिव मार्किंग हो जाए. देर आर सर्टन थिंग्स विच कैनॉट बी मेंडेड बट ओनली एंडेड, दैट इज ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म इज वन सच. इसका मतलब जो है, अलग फॉर्मेट में बी आर अम्बेडकर भी बताए थे बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एक्सप्लिसिट सेंटेंस, इट इज रामास्वामी नायकर. ओके, फिर सेल्फ रेस्पेक्ट. हमको लग रहा है कि सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा बच्चों को लगता है कि इट इज ओनली तमिलनाडु, ओनली वहां पर, तो नहीं, आंध्रा में भी हुआ था. नो क्वेश्चन आंसर है, कंसीडर अरेंज द फॉलोइंग. तमिलनाडु के साथ, आंध्रा के साथ, आंध्रा में भी हुआ था. जस्ट यू नीड टू नो द नेम, कौन था वो. आंध्रा में भी हुआ था एंड हिज नेम वॉज त्रिपुरानेनी रामस्वामी चौधरी. त्रिपुरानेनी रामस्वामी चौधरी, रिमेंबर द नेम, दिस इज द नेम. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन आंध्रा, इतना भी याद कर लोगे आपका प्रीलिम में अगर आएगा, इससे ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता. वहां पे जो ऑब्वियसली वही नॉन ब्राह्मीन के लिए काम करना, वहां पे जो ब्राह्मीन ग्रुप थे, जो नॉन ब्राह्मीन ग्रुप थे, वो कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मीन ग्रुप्स को काफी सब्जुगेट करते थे, जैसे कि कम्मास, रेड्डीज, बलिजाज, वेलामास. तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आंध्रा ने, आंध्रा में हुआ, जिनका नाम था त्रिपुरानेनी रामस्वामी चौधरी. ठीक है, ही हिमसेल्फ वाज अ नॉन ब्राह्मीन लीडर. खुद फेस किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. उन्होंने एड्रेस किया ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द अपर कास्ट नॉर्मल्स एंड लेफ्ट ऑफ द हरिजन. लेकिन यहाँ पे और अगर थोड़ा डिटेलिंग पूछेगा तो इट एड्रेस्ड ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ द अपर कास्ट नॉन ब्राह्मण्स एंड लेफ्ट ऑफ द हरिजन्स. इट एम्ड एट रिस्ट्रक्चरिंग द कास्ट सिस्टम विथ अपर कास्ट नॉन ब्राह्मण्स एट द टॉप रादर देन फाइटिंग फॉर इट्स कंप्लीट एवोल्यूशन. तो कंप्लीट एवोल्यूशन के लिए कर नहीं पा, सो कहीं ना कहीं ये एक उसका मतलब इट वॉज लैकिंग डिसएडवांटेज है बस अपर कास्ट नॉन. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि आंध्रा में जो इन्होंने किया था सेल्फ वो सबके लिए पूरा कंप्लीट एवोल्यूशन हो गया, सबके लिए टोटल हो गया, नहीं, अपर कास्ट नॉन ब्राह्मीन्स के लिए ज्यादा कैटर किया इसमें. ओके, उनका व्यूज एंड वर्क्स कुछ खास नहीं है, वही कोस्टल आंध्रा पे वो करते थे. सिमिलर व्यूज था जो कि फुले ने किया है महाराष्ट्र में, जैसे पेरियार ने किया है साउथ इंडिया में, सिमिलर ही था, ऑब्वियसली सिमिलर ही था. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज याद करना, उन्होंने चैलेंज किया, ऑब्वियसली जिसने जो नॉन ब्राह्मीन्स के लिए लड़ेगा सो ऑब्वियसली ही विल बी अगेंस्ट द वैदिक सिस्टम, राइट. सो ही चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ द सेक्रेट टेक्स्ट, आर्ग्यूड दैट कास्ट सिस्टम वाज सस्टेन्ड बाय रिलीजन, वाज अ हैंडबुक ऑफ द हैंडीवर्क ऑफ द आर्यंस. ये आर्यंस लोग ही किए थे, उन्होंने बोला. ही स्टूड फॉर एमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन एंड द शूद्रज फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ शास्त्रज. ये जो शास्त्र जो है, जो कि जो वैदिक शास्त्र से, धर्म शास्त्र से, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये सब चीज कहीं ना कहीं वहां से आता है जो कास्ट सिस्टम. ही डिमांडेड द नॉन ब्राह्मणाइजेशन ऑफ द सर्विसेस. जो सर्विसेस है, जो रिक्रूटमेंट हो रहा है नॉन ब्राह्मण लोगों को भी दिया जाए. एंड ट्राइड टू प्रोपगेट हिज आइडियाज थ्रू हिज लिटरेचर. तीन लिटरेचर का नाम याद कर लेना, कुरुक्षेत्र संग्रमन, शंभू का वादा, विवाह विधि. कुरुक्षेत्र संग्रमन, शंभू का वादा, विवाह विधि, एनी टाइम इट कैन कम. जैसे कि इस बार देसर कथा क्वेश्चन आया था, पूरा का पूरा अलग था, वैसा ही आ सकता है. एग्जाम आने से पहले रेडी हो जाओ, एग्जाम तक वेट मत करो. कुरुक्षेत्र संग्रमन, ही आर्ग्यूड दैट द कौरवज वेर मोर अपराइट देन द पांडवज एंड दैट द लेटर हैड नो राइट टू रूल. शंभुकवादा में ही एक्सपोज्ड हाउ किंग राम एनकरेज्ड बाय वशिष्ठ एंड इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द धर्मश्रम धर्म किल्ड द शूद्र सेज शंभुका फॉर स्प्रेडिंग द सेक्रेट नॉलेज डिनाइड टू शूद्रज बाय द ब्राह्मण्स. उन्होंने वो भी किया, तो थोड़ा मतलब रामायण के अगेंस्ट में भी चीजें लिख रहे हैं. विवाह विधि में ही एक्सप्लेन्स मैरिज राइट्स इन तेलुगु as the Shudras could not understand most of the Sanskrit mantras. तो संस्कृत मंत्र उनको समझ में नहीं आता, उन्होंने बोला कि जो मैरिज राइट्स होता है वो तेलुगु में किया जाए. आज भी हमारा जो मैरिज होता है जो हिंदू में होता है वो भी काफी संस्कृत में होता है, तो हमको भी समझ में नहीं आता. ओके, तो उन्होंने काफी अच्छा चीज बोला था ये.
इनफैक्ट इज मोस्ट सक्सेसफुल रिफॉर्म वॉज इन द सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मैरिजेस. द कम्मास स्टार्टेड परफॉर्मिंग मैरिजेस इन द प्रेजेंस ऑफ देयर ओन कम्युनिटी प्रिस्ट. द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन आंध्र प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरकास्ट इंट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटर डाइनिंग इंटर मैरिजेस. एक्सपेक्ट अ मेन्स क्वेश्चन. द क्वेश्चन विल बी ऑन लाइक सम लाइन दे विल गिव एंड इट विल बी ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन इंडिया इज दिस दिस करके स्टेटमेंट करेंगे. सो यू हैव टू फुल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा. Most of the people think self-respect is only South. No, you have to give the South examples, you have to give the Andhra example, you have to give the Western example of Phule. Start with Phule, end with Andhra. Even with Karnataka also. So what 250 word mein ho jayega. Most of the people can't write. They only know, like 90% of people, they only think ki hoge South India mein. So they will think, ye sab question mein content kahan se aayega. Yehi se content aayega. Okay. संबुकावाद. इसलिए द थिंग इज हम लिखते नहीं है एंड वी क्रिब की हमको मार्क्स नहीं मिल रहा है मेंस में. इफ यू राइट 100% मार्क्स विल बी गिवन. नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट इन कर्नाटका. कर्नाटका में भी हुआ था. जस्ट रिमेम्बर देन वोका लिगास लिंगायत ये भी तो सब है नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट. अराउंड टाइम देख लो अराउंड 1918 द नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट इमर्ज इन कर्नाटका एंड वाज स्पीयरहेडेड बाय वोका लिगास एंड लिंगायत. A delegation of the non-Brahmin leaders met the Maharaja of Mysore to register their protest against caste-based discrimination. This resulted in the appointment of a committee headed by Sir Leslie Miller. Remember the name? Sir Leslie Miller, a committee hua, jo ki kis liye? Caste-based discrimination ko dekhne ke liye. Bahut sare committee hain modern history mein. On the committee's recommendation, the government passed an order for an equitable communal representation in the public service. Gradually, the non-Brahmin movement was drawn towards the national movement and it finally merged with the Congress, 1938. After the 1930s, secular politics in India began recognizing caste-based demands, with the result that non-Brahmin groups began to lose their cohesion and each caste began to demand separate representation for itself in government. Thus, कहीं ना कहीं ये जो नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट था ये इनटू अ बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट हो गया फ्रॉम द 1940s. नथिंग टू रिमेंबर. आपको बस रिमेंबर करना है शुरुआत हो गया था 1918 वोका लिगाज और लिंगायत का. यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम लेस्ली मिलर जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए सरकार ने गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाई एंड फिर यू मर्ज हो गया कांग्रेस के साथ. ऑल्सो नो नीड टू रिमेंबर दिस मच इज एनफ ऑन कर्नाटका. ठीक है. फिर आज नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट इन केरला में भी हुआ था और यहाँ पे नारायण गुरु की आते नारायण गुरु हमने पढ़ा है पहले भी. नारायण गुरु एक केरला. तो ये पर्टिकुलरली केरला के तमिलनाडु नहीं है. केरला में नारायण गुरु है. ही वाज फ्रॉम एजहावा कास्ट अनटचेबल कास्ट था. श्री नारायण गुरु ने एस्टेब्लिश किया था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम. ये भी करंट अफेयर में भी था एक दो साल पहले इन 1903. तो नाम ये याद करोगे केरला याद करोगे 1903 याद करोगे. एम क्या था वही अनटचेबिलिटी को हटाएंगे. बिल्डिंग टेम्पल्स विच शुड बी ओपन टू ऑल कास्ट. ऑब्वियसली ही ओपनली क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर इट्स लिप सर्विस टुवर्ड्स द लोअर कास्ट. लोअर कास्ट के लिए कांग्रेस ने बात नहीं किया था इनिशियल 25-30 ईयर्स. ही अपोज्ड गांधी फॉर हिज फेथ इन चतुर्वर्णस दैट इज द फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम. गांधी जी उसमें फेथ रखते थे. गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट अनटचेबिलिटी. गांधी जी ने हमेशा बोलते थे कि कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए. द ब्राह्मिन्स का जो कास्ट है वहां पे रिफॉर्म चाहिए सो दैट दे शुड नॉट सब्जुगेट द लोअर कास्ट. लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि कास्ट सिस्टम को हटाओ. विच ही कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. उन्होंने बोला कि श्री नारायण गुरु ने बोला कि ये जो चतुर्वर्णस है इट इज द ओरिजिनेटर ऑफ कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. जो फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम जो है ब्राह्मीण क्षत्रिय शूद्राज एंड वैश्य जो है वही है. ओके. ही गेव द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड. ये हमने मेंस में भी कराया है. दिस इज अ वेरी फेमस कोट गिवन बाय नारायण गुरु. He simplified rituals regarding birth, death and marriage. He achieved notable success in transforming the untouchables into backward classes.
इवन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रोल ऑफ अंबेडकर अभी बहुत है, हमने अंबेडकर के बारे में हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने कवर कर रखा है, सो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम दिया है बहुत। ओके वही चीज है हितकरणी सभा, ऑल वी हैव कवर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। 1924-1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन अलग है, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग अलग है। और एक बार बोल देता हूँ, डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, मुझे बताओ किसको कितना याद है, फेडरेशन अंबेडकर का है, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग किसका है, फटाफट जल्दी बताओ। हाँ लीग किसका है, सो मैं नहीं दे रहा है, रहने दो, बाबू जगजीवन राम। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन राजन ना, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इज राजा, एमसी राजा। ओके रिमेम्बर, बहुत ही आसपास है, सो एमसी राजा, बाबू जगजीवन राम इज लीग, फेडरेशन इज अंबेडकर। ओके ओके तो लीग में कन होता है प्रॉब्लम, जगजीवन राम लीग में होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 यहाँ पे पॉलिटिकल बन गए, वो पॉलिटिकल 37 इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया लेकिन जीत नहीं पाए, ही लॉस्ट इट। फिर ये सब कम्युनल अवार्ड हमने पढ़ाया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को ही ट्रांसफॉर्म किया उसने, SCF को। फिर 1956 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी, मतलब उनके डेथ के बाद उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी किया 1956 में। ये सब उनका बुक से हमको पता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। सी ये हमको पता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हमने ऑलरेडी नोट्स पे लिखा है, हुआ तो शूद्र हमने लिखा है, ये नया है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये नया है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके फिर अनटचेबिलिटी, ही बिकेम द इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे, भारत रत्न मिला था उनको काफी बाद में 1990 में। ओके सम मिसलेनियस मूवमेंट्स, अराबीपुरम मूवमेंट्स, अराबीपुरम मूवमेंट इज इन केरला, अराबीपुरम केरला पे हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि, और वो श्री नारायण गुरु का ही है, रिमेम्बर द नेम नारायण गुरु, अराबीपुरम मूवमेंट उनके साथ ही आता है 1888। ओके डिस्पाइट बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, इंस्टॉल्ड एन आइडल ऑफ शिव एट अराबीपुरम इन केरला इन एन अटेम्प्ट टू शो दैट द कॉन्सेक्रेशन ऑफ अ गॉड्स आइडल वाज नॉट अ मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मिन्स, हमारा भी हक है। ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल ही गॉट द फॉलोइंग वर्ड्स इंस्क्राइब्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिवॉइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस और हेट्रेड और राइवल फेथ, वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड। नाउ इट इज यूपीसी हैज स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ गिविंग कोट्स। ओके लास्ट ईयर एक अशोका का कोट आया था, रिमेंबर, मॉडर्न का कोट भी आ सकता है, डिवाइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ रेस कास्ट और रेस और हेटेड और राइवल, वी ऑल लिव इन ब्रदरहुड। नाउ अगेन दिस स्टेटमेंट लुक्स लाइक अंबेडकर, हर चीज अंबेडकर का नहीं है। ओके अंबेडकर ने बहुत ही ज्यादा कुछ चीज बोला था, अंबेडकर का अलग अलग कोर्ट्स ऑलरेडी वी कवर्ड, लॉट ऑफ कोर्ट्स वी हैव कवर्ड, गांधी जी का लॉट ऑफ कोर्ट्स वी हैव कवर्ड, सो किसका कोर्ट क्या, इट्स ओनली विल हैपन फ्रॉम रिवाइजिंग, रिविजन करोगे तभी मिलेगा, ये सब चीज याद रहेंगे। ओके टेम्पल एंट्री मूवमेंट में नारायण गुरु के एन कुमारसन, टी के माधवन, ये सब, टी के माधवन वही चीज जो कि बाइकम सत्याग्रह को शुरू किए थे केपी केशव के साथ, ये सब टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी काम किए। बाइकम सत्याग्रह हमने बहुत अच्छे से किया है, बाइकम सत्याग्रह वॉज लेड, अगेन देखो हर बुक में देखो कि इट वॉज लेड बाई केपी केशव, अगर क्वेश्चन आएगा स्टार्ट इनिशियल पूरा पूरा एक्सप्लिसिटली अगर मेंशन रहेगा इनिशियल स्टार्ट ऑफ बाइकम सत्याग्रह इट इज टीके महादेवन। ओके हमने पढ़ा था वाइकम सत्याग्रह वाज टेंपल एंट्री मूवमेंट, इट वाज अ टेंपल एंट्री मूवमेंट बट इट वाज नॉट रियली अ टेंपल एंट्री मूवमेंट, वो था कि टेंपल के साइड में जो रोड है उस रोड में चलने के लिए, अनटचेबल के लिए चलने के लिए वो डिमांड था, टेंपल के अंदर एंटर करने के लिए डिमांड नहीं था। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस, अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे भी लिखा है दो दिस स्ट्रगल डिड नॉट सक्सीड इन सिक्योरिंग द एंट्री ऑफ the lower caste into the Mahadev temple in the town, it managed to open the roads
अराउंड द टेम्पल फॉर दर यूज, और सरकार ने एक रोड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी टाइम के बाद एक रोड भी किया, सो इट इज क्वाइट सक्सेसफुल। ओके, और ये पहले वाइकम सत्याग्रह, और एक चीज मैंने जो दूसरे नोट्स पे बोला था और एक बार रिपीट कर देता हूं कि वाइकम सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट गांधीयन टेक्निक इनटू अ प्रिंसली स्टेट, इनटू अ प्रिंसली स्टेट दैट इज ट्रावेंकोर। टीके महादेवन इज द लीडर ऑफ द मूवमेंट, यस टीके महादेवन इट इज लेड, उसके बाद केपी केशव आया वो किए, ओके फाइन, बट टीके महादेवन इज अ लीडर। थोड़ा हाई लेवल बुक्स जो हमने पढ़ा था वहां पे लिखा है क्लियर कट, इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड, फिर आई गेस उनको जेल हो गया या कुछ तो हो गया था, फिर केपी केशव आ गए। ओके, गुरुवायु सत्याग्रह भी हमने किया था, मेरे चैनल पे मैंने क्वेश्चन भी बनाया था गुरुवायु सत्याग्रह 1931। तो पहले तो ईश्वर सत्याग्रह बहुत, बोटसाड सत्याग्रह, गुरुवायु सत्याग्रह, तरकेश्वर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, ये सबके सत्याग्रह हमको याद करना पड़ेगा फॉर क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। गुरुवायु सत्याग्रह 1931 में हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज, इट इज ऑल्सो एंट्री ऑफ द अनटचेबल इनसाइड द गुरुवायु टेम्पल इन केरला। ये जो 10 मंथ लॉन्ग प्रोटेस्ट, ये के केलापन, ठीक है, के केलापन वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वाइकम सत्याग्रह, ये भी थे वहां पे मूवमेंट में, ठीक है। के केलापन को बोला जाता है केरला गांधी। केलापन्स 12 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अट्रैक्टेड कंट्री वाइड अटेंशन टू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ही लेटर ब्रोक ऑफ फास्ट अलोंग ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर 1932। ओके, विद दिस सत्याग्रह ही द कॉल टू ओपन टेम्पल्स फॉर अवेयरनेस ग्रू लाउडर। नाउ एवरीवन गो टू माय चैनल और सर्च गुरुवायु, चैनल पे जाओ। एक पॉइंट था मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर बताओ एनीवन टेलीग्राम पे, गुरुवायु टाइप करो, सर्च करो। क्वेश्चन नंबर 761 राइट, 761 है ना, क्वेश्चन नंबर 761 चेक करो। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुरुवायु सत्याग्रह ऑफ 1931। दिस सत्याग्रह लेड बाय ईवी रामस्वामी डिमांडेड द एंट्री ऑफ अनटचेबल्स इनसाइड द गुरुवायु टेंपल। नो, इट वाज नॉट बाय रामस्वामी, इट वाज बाय के केलापन, ठीक है। द 12 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक फाइनली एंडेड ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर 1932। यस, ठीक है, ये 12, यहां पे कितना दिन लिखा है, 10 मंथ लॉन्ग सत्याग्रह, यहाँ पे 12 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एक हुआ था। देखो सत्य, देखो ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पॉइंट इज ये 10 मंथ लॉन्ग था, ओके, बट एंड में एक 12 डे हंगर स्ट्राइक भी किए थे, एक 12 डे हंगर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, केलापन ने किए थे, और वो जो हंगर स्ट्राइक था वो बंद हुआ ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। सो कहीं ना कहीं दिस गुरुवायु सत्याग्रह, गांधी जी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड देन। वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह गांधी जी वॉज एसोसिएटेड। यस, केलापन तो किए थे, लेकिन ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड, राइट, उन्होंने बोला इसको, के केलापन को जो हंगर स्ट्राइक, 12 डे का जो हंगर स्ट्राइक बंद करने के लिए, तो उनके एडवाइस से ही ये बन, यहाँ पे लिखा है ही लेटर ब्रोक द फास्ट, इट वॉज ए 12 डे हंगर स्ट्राइक। ओके, तो 760 क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज केरला गांधी। क्वेश्चन नंबर 760 अगर देखोगे वहां पे, देखो रॉन्ग ऑप्शंस, देखो रॉन्ग ऑप्शंस में वही ऑप्शन वो डालेंगे जो कि यूजुअली आपको लगेगा, केलापन डालेंगे, फिर मैंने डाला था पेरियर, रामस्वामी पेरियर, पेरियर में देखो 46% पेरियर को आंसर दिए हैं, 838 लोग आंसर दिए, उनमें से 46% नियरली 50% उसके साथ जा रहे हैं रामस्वामी पेरियर के साथ, बिकॉज इट लुक्स तो लगेगा केरला वर्ड है, तो केरला वर्ड मतलब हमेशा हम पेरियर के साथ ही चले जाते हैं। नो, केरला गांधी इज के केलापन, क्यों, क्योंकि देखो गांधी जी इस सत्याग्रह में भी उनका साथ दिए थे। ओके सर, एक्चुअली पेरियर इज फ्रॉम तमिलनाडु ना, पेरियर इज फ्रॉम तमिलनाडु, लेकिन ही वाज मोर पॉपुलर इन केरला, राइट, रामस्वामी नायकर इज इन केरला, तो केरला भी तो किए थे सब कुछ,
हम अभी तो पढ़े तो मूवमेंट्स इन एंटी वामन मूवमेंट इन केरला नहीं तो पढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में थोड़ी पढ़ रहे हैं उनका नाम. ओके ऑल गाइज आर ह्यूजली पॉपुलर बट किसका क्या नाम है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू नो. यूजली एक हमारा कॉन्सेप्शन है कि पेरियार हर चीज में बिकॉज पेरियार रिवर भी है एंड ही वाज आल्सो वेरी पॉपुलर इवन मोर पॉपुलर देन के केलापन बट केरला गांधी के केलापन को बोला जाता है. ओके ठीक है टेम्पल और एक चीज था वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 रिमेंबर ये भी आ सकता है कैसे आएगा वही क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में क्या था ये प्रोक्लेमेशन इट इज अ डबल कोट टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द एजिटेशन. ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एजिटेशन ये जो हो रहा है अ गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज पब्लिश्ड इन विच महाराज ऑफ ट्रावेंकोर हिस्टोरिकली प्रोक्लेम्ड that the temples under his administration would be open to all Hindus without any discrimination on caste basis. Huge achievement. Kisne? The Maharaja of Travancore. Travancore was a, yesterday humne padha tha, princely state. ठीक है दिस प्रोक्लेमेशन इज अ बिग स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग द राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट इन केरला. ये कहां पे हुआ है ऑब्वियसली केरला ट्रावेंकोर मतलब केरला एंड द नेशन एज ए होल. The proclamation had a far-reaching effect and not only state temples but also private temples were thrown open to lower caste. Okay, huge achievement of the temple entry movement of the padre. Kahi bhi question agar temple entry movement aayega, so we have to write this. One more thing, Gandhiji called this movement as wonder of modern age. Likho, Gandhiji called this movement as wonder of modern age. गुरुवायुर सत्याग्रह वेरी फेमस इसको ऐड कर देना वंडर ऑफ मॉडर्न एज. तो 1936 ठीक है फाइनली ये हुआ जो इतना साल का जो मेहनत था ये फाइनली यहां पे टेंपल प्रोक्लेमेशन हुआ. फाइन और एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं ज्योतिराव फुले शुरुआती दौर. यह देखो यहां से तुम्हारा कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी पता चल जाएगा. ज्योतिराव फुले फर्स्ट इंडियन अनटचेबल के लिए स्कूल स्टार्ट किए थे 1873 सत्यशोधक समाज गुलामगिरी सेटकर चसूड इशारा ये सब किए थे. जस्टिस पार्टी नायर चेट्टियर मुदलियर 1916 ठीक है. फिर रामास्वामी नायकर 1924-25 ठीक है. वाइकोम सत्याग्रह सेल्फ रेस्पेक्ट कुडियारासू थंथाई उनको बोला जाता है. देखो थंथाई किसको बोला जाता है नायकर को बोला जाता है. फिर यार ये टोटल पहले आईएनसी में थे बाद में पूरा रेडिकल बन गए अगेंस्ट गांधी जी बन गए रिमेम्बर. तो जाहिर सी बात है अगर आपको पता है कि ही वॉज अगेंस्ट गांधी पर इतना भी आपको पता है सो यू कैन इजिली एलिमिनेट द नायकर ऑप्शन इन दैट फ्रंटियर इन दैट केरला गांधी क्वेश्चन. केरला गांधी क्वेश्चन में अगर तो इतना परसेंटेज 46% नायकर में गए थे इसका मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं कि नायकर वॉज अगेंस्ट गांधी जी. वो बस नाम देख के आंसर करते हैं और बिकॉज इट विल प्ले विथ योर माइंड क्वेश्चन माइंड के साथ प्ले होता है खास करके यूपीएससी में. कुडियारासु इंपॉर्टेंट है बार बार बोल रहा हूँ ठीक है. त्रिपुरा त्रिपुरा नहीं रामास्वामी तुम्हारा आंध्र प्रदेश का है ठीक है. आंध्र प्रदेश का है तो उन्होंने कुरुक्षेत्र संग्रमण शंभू का वादा जो रामायण के खिलाफ उन्होंने राम भगवान के खिलाफ जो लिखा था वो एंड विवाह विधि रिगार्डिंग दैट मैरिज एंड ऑल. ओके कुरुक्षेत्र संग्रमण नाउ हाउ टू रिमेम्बर कुरुक्षेत्र रिगार्डिंग महाभारत शंभू का वादा रिगार्डिंग रामायण विवाह विधि रिगार्डिंग मैरिजेस ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाफ एन आवर बैक. फिर नारायण गुरु आ गए. नारायण गुरु केरला पे थे परिपलम ये किए थे वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड. ओके और ये कब किए थे 1903 तो काफी बाद में आए थे. ओके सो क्रोनोलॉजी बाद में नहीं वैसे पहले आए थे 1903 मतलब बहुत पहले इवन बिफोर जस्टिस पार्टी ठीक है. जस्टिस पार्टी 1916 सेल्फ रेस्पेक्ट 1925 फाइनली टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन 1936 बीच में गुरुवायुर सत्याग्रह 1931 ओके
भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर सभा, ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, वेरी इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टफ ऑल्सो रिवाइज कर लेना। अराभीपुरम मूवमेंट नारायण गुरु का है, बस यही चीज याद कर लेना। अराभीपुरम मूवमेंट केरला पे है 1888, तो नारायण गुरु बहुत पहले है, जस्टिस पार्टी तो 1916 में, तो कहीं ना कहीं ये सब मूवमेंट उससे पहले हो रखा है केरला पे, नारायण गुरु शुरुआत कर रखे थे, वैसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेम्पल एंट्री मूवमेंट तो ये सब शुरू हो चुका था, नारायण गुरु, कुमार असन, टीके माधवन, ये सब गुरुवायूर, फिर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन ऑफ 1936, कहीं ना कहीं बाद में फाइनली हो गया बिकॉज ऑफ दीज पीपल। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट अगर क्वेश्चन आएगा, दीज आर ऑल द मटेरियल जो कि आपको यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं वो ये एक्चुअली क्या था इनका नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली ऑल रिफॉर्म मूवमेंट्स, यर ऑल रिफॉर्म इंक्लूडिंग आवर नॉर्थ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो, राजा राममोहन रॉय ऑल्सो इंक्लूडेड, ओके, व्हिच हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो जो मूवमेंट, ब्रह्म समाज, वो सब नॉर्थ में जो चल रहा था, नॉर्थ या फिर ईस्ट में जो भी चल रहा था। तो देखो याद रखना, इनका जो मूवमेंट का जो नेचर है, इट इज रिफॉर्मेशन, नॉट रिवोल्यूशन। ये कभी रिवोल्यूशन नहीं कहते, ये चाहते थे कि रिफॉर्म हो, अनटचेबिलिटी को ऐसे हो रहा है तो रिफॉर्मेशन, तो रिमेंबर द वर्ड रिफॉर्मेशन। रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी भी था। अनदर टेंडेंसीज ऑफ द थिंकर वाज टू व्यू द एग्जिस्टिंग सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज डिस्टॉर्शंस दैट क्रेप्ट इन इंडियन सोसाइटी ओवर टाइम। For them, the Vedic period of Indian history represented an ideal type of society free from all rebels from present times. और ये जो revivalist है, ये हमें खास करके जो राजा राममोहन रॉय अलग अलग थे, मतलब ये तो हमने ऐसे ही लिखा है, बट क्लियर कट हमको पता है, somebody were reformist, somebody were revival. जैसे कि राजा राममोहन रॉय was a reformist, वो reform चाहते थे, आर्य समाज क्या था, वाज अ रिवाइवल, रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट मतलब बैक टू आवर कल्चर, बैक टू आवर वेदस, पुराने चीज को लाओ, नया चीज हमको, मॉडर्न आइडियाज हैव कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को खराब कर रखा, लेट अस गो टू आवर ओल्ड। लेकिन राजा रामन हमेशा चाहते थे मॉडर्न आइडियाज। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये एज सच मतलब स्पेसिफिक यूज मत करना, सबका अलग अलग है, कोई रिवाइवल था, कोई रिफॉर्मिस्ट था। ओके, जैसे कि साउथ इंडियन, साउथ इंडियन जो कल्चर, जो साउथ इंडियन का जो मूवमेंट हमने पढ़ा अभी, वो तो बिल्कुल वैदिक के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, तो वो रिवाइवल कैसे होंगे। इवन वो रिफॉर्म ही चाहते थे, वो चाहते थे कि अच्छा हो, लेकिन वो वैदिक को सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, रिमूवल ऑफ सोशियो रिलीजियस एविल्स, अर्बन फेनोमेनन, द 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट वाज मेजरली एन अर्बन, ओरिजिनेटिंग एंड ऑपरेटिंग इन द अर्बन एरियाज ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक अर्बन फेनोमेनन, ये ज्यादा डीप जो रूट्स ऑफ रूरल एरियाज में ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाया, रिमेंबर। तो द मूवमेंट रिलाइड हेविली ऑन द अर्बन कम्युनिकेशन चैनल सच एज प्रेस एंड लेक्चर फॉर द स्प्रेड ऑफ इट्स मैसेजेस। Even so, the movement was not localized in its inspiration as the messages of equity, justice had universal appeal and applicability. ये जो equality का जो message है, जो justice का message है, ये ज्यादा से ज्यादा urban लोगों को ही पता चलेगा। Rural लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, education उतना है था नहीं, तो obvious सी बात है, तो एक उनका एक अलग सा appeal था, ज्यादा deep जा नहीं सका। Okay, तो obvious सी बात है, because of this urban, तो उसका जो disadvantage था वो limited impact रहेगा, क्योंकि उसके नीचे लिखा है इंपैक्ट लिमिटेड रहेगा। ठीक है, इंपैक्ट लिमिटेड रहेगा, ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया हर किसी के साथ, लोकलाइज्ड रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, लोकलाइज है ना, हर हर जगह को जा नहीं पाया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज डिड हैव ब्रांचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, येट दे आर मोर पॉपुलर इन बंगाल एंड पंजाब। ब्रांच था लेकिन पैन इंडिया नहीं हो पाया। अलीगढ़ मूवमेंट वो दोस्तों मुस्लिम अपर क्लासेस, टोटल मुस्लिम को भी, टोटल मुस्लिम कम्युनिटी को भी नहीं कर पाया, मोस्टली टू अपर क्लासेस, बिकॉज अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान, ही वाज ए रिफॉर्मिस्ट। सैयद अहमद खान हमेशा मॉडर्न आइडियाज की बात करते थे, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते थे, तो जाहिर सी बात है जो जो पुअर लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो मुस्लिम अपर क्लास को ज्यादा कैटर किया। So they were also isolated from one another as they all emerged at different points of time in different parts of the country.
और रिलीजियन के ऊपर ओवर एम्फेसिस देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ओवरऑल मतलब जनरल, यहाँ पे जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं हम स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ मोर एम्फेसिस ऑन रिलीजन तो कहीं ना कहीं रिलीजन का फिलोसफी, रिलीजन रिलीजन बात करने से वो रिलीजियस चोविनिज्म हो गया, तो उसका काफी अलग इफेक्ट रहा फ्यूचर में। हमने पढ़ा है कैसे रिलीजन को लेके 1900 के बाद क्या हुआ हमारा कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल ले लिया हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। ओके तो ये सब पॉइंट्स आ सकता है। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू लुक बैक, सम रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स टेंडेड टू लुक बैकवर्ड एंड अपील टू द ग्रेटनेस ऑफ आवर एंशिएंट पास्ट एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। This not only created a sense of false pride and smugness, it also acted as a check on full acceptance of modern ideas. अब हर कोई अगर तुम अगर हमेशा पीछे look back करोगे, so you can't be modern. तो वो एक check कर दिया कि हम modern ideas को accept नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा balance करके लिखना पड़ता है। Further, the Hindu reformers generally tended to praise India's ancient past at the cost of the medieval period or the so-called Muslim period. जो हिंदू रिफॉर्मर थे ठीक है वो क्या किए, एंशियंट को ज्यादा ग्लोरीफाई किए मिडिवल को कम किए, तो कहीं ना कहीं सब कम्युनलिज्म बाद में हुआ। दिस नॉट ओनली एलिनेटेड द मुस्लिम्स बट ऑल्सो द लोअर कास्ट एज द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम ट्रेस्ड इट्स रूट्स बैक टू द एंशियंट पीरियड। अब वही चीज अगर वही हिंदू रिफॉर्म, वन साइड यू आर सपोर्टिंग द इंडियाज एंशियंट पास्ट एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग मिडिवल, सो ऑब्वियसली यू लूज द मुस्लिम पीपल हियर। नाउ अगेन यू आर सपोर्टिंग एंशियंट पास्ट एंड इन एंशियंट वैदिक इज देयर एंड फ्रॉम वैदिक this caste system is there, so low class will not get this ancient past theory, so problems ho raha hai, so kahin na kahin it created problems. Thus, due to the looking back tendency, what we see is a simultaneous rise of national as well as communal consciousness. These are the points you should write it in the mains. Aise hi likhoge fir jaake mark milega, direct question nahi aayega, you should take points from in between and write it. Inability to perceive the exploitative nature of the British. सबसे बड़ी बात है कि कोई जो exploitative rule था British का उसको नहीं कर पाए। सैयद अहमद खान मुस्लिम के बारे में पढ़े, राधा राम मोहन राय ज्यादा मॉडर्न आइडियाज के बारे में बात किए, साउथ इंडिया ज्यादा एंटी ब्राह्मिन हुए, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, ब्रिटिश took the advantage. That's why we got ruled for 200 years. That is the reason. हमारे कभी यूनिटी नहीं रहा है हमारे हिस्ट्री से, so easily India is that kind of country which can easily be ruled, very easily be ruled. India is that kind of country. Even today we something see in Twitter we believe it, because हम इतने like disunity है, we believe in हम खुद के ऊपर छोड़ के हम बाहर के ऊपर ज्यादा believe करते हैं, so it is very easy to get ruled Indian, खासकर हमारा country, ठीक है। So achievements of reform movements, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स भी हुआ है। बंगाल रेगुलेशन 1929 में सती का हुआ जो कि राजा रामोहन रॉय, फिर बंगाल रेगुलेशंस ऑफ 1795 एंड 1804, यहाँ पे इन्फेंटिसाइड को इलीगल किया गया एंड इक्विवेलेंट टू कमिटिंग अ मर्डर। टू फर्दर दिस लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट इन 1870 मेकिंग इट कंपलसरी फॉर पेरेंट्स टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल बेबीज एंड प्रोवाइडिंग द वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, तो ये भी काफी अच्छी बात है। फिर 1850 ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हेल्प से बहुत जो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट हुआ, इट लीगलाइज द मैरिज ऑफ विडोज एंड डिक्लेयर्ड इश्यूज फ्रॉम सच मैरिज एज लेजिटिमेट। हाउएवर इन बंगाल दिस लेज अचीव वेरी लिमिटेड सक्सेस, बहुत कम हुआ लेकिन हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट हुआ, दैट्स बिकॉज़ सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872, इसने क्या किया, इट प्रोहिबिटेड मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14 एंड बॉयज बिलो द एज ऑफ 18। लेकिन हाउ दिस एक्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू मेजर रिकॉग्नाइज्ड फेलो हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड एज सच हैड वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट। एज ऑफ कंसेंट एंड हमने पढ़ा है, रुकमाबाई केस बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑलरेडी कवर्ड। इट फॉरबिड द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 18, तिलक वॉज अगेंस्ट इट। फिर शारदा एक्ट ऑफ 1930 वेरी इंपॉर्टेंट, शारदा एक्ट ऑफ 1930 फर्दर पुश्ड अप द मैरिजेबल एज and provided for penal action in case of marriages of boys under 18 and girls under 14. The child marriage restraint of 1978 raised the marriageable age for girls to 18 and boys to 21 years. So ye bhi marriage ke liye tha, ye bhi marriage ke liye tha, 1872 bhi marriage ke liye tha, ye 14 and 18, ye kya kiya 18 and 14,
ठीक है, बॉयज अंडर 18, गर्ल्स अंडर 14, सेम ही है आई गेस। ठीक है, फिर फीमेल एजुकेशन में बहुत सारे चीज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेके बहुत सारे रिफॉर्मर है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फुले से लेके बहुत सारे रिफॉर्मर एजुकेशन में काम किए हैं। ओके, फीमेल एजुकेशन, नाउ फीमेल एजुकेशन, फीमेल रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा चीज हुआ था 1927 में, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927। टेल मी द नेम AIWC किसने किया है, टेल मी द नेम क्विक, एनीवन, एम से शुरू होता है, मार्गारेट कजिन्स। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे लीडर्स इसको ज्वाइन किए, लेकिन मार्गारेट कजिन्स ने इसको शुरुआत किया था। ओके, फिर रियलाइजेशन ऑफ द इंटरकनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर नेगेटिव में लिख रहे हो कि रिलीजन में ओवर, सी द थिंग इज यू हैव टू राइट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अच्छी बुरा चीज ये है कि ओवर एम्फेसिस ऑन रिलीजन, ठीक है, वहां पे आप लिखोगे रिलीजन के ऊपर ओवर एम्फेसिस हुआ, लेकिन वही ओवर एम्फेसिस कहीं ना कहीं कनेक्ट किया ना रिलीजन एंड सोसाइटी को, ये अच्छा में लिखोगे। कहां पे यूज क्या कर रहे हैं, यू हैव टू नो हाउ टू यूज इट। अगर ओवर एम्फेसिस लिख रहे हो तो दैट यू हैव टू कंटिन्यू कि कैसे प्रॉब्लम हुआ इन अवर फ्रीडम स्ट्रगल, रिलीजन को कैसे यूज किया गया, बट कहीं ना कहीं रिलीजन सोसाइटी का कनेक्शन भी तो हुआ, वो भी जरूरी है। जब रिलीजन में हुआ तो कहीं ना कहीं अर्लियर भक्ति मूवमेंट भी था, रिलीजियस रिफॉर्म बहुत हुआ। ठीक है, सिग्निफिकेंस अगर पूछेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिलीजन एंड सोसाइटी को क्लींजिंग ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी, रीगेन्ड कॉन्फिडेंस एंड प्राइड इन अवर एंशियंट कल्चर एंड इन अवर ओल्ड कल्चर, न्यू वैल्यूज ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, और कहीं ना कहीं ये सब चीज फाइनली एक हमारा जो नेशनलिज्म था, फाइनली इट वॉज अ प्रील्यूड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, सो फाइनली द 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट वॉज अ प्रील्यूड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द टास्क ऑफ नेशन कंस्ट्रक्शन और नेशन बिल्डिंग, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सोशियो रिलीजियस आइडियाज activities of the intellectuals were loaded with wider national, political and economic consideration. जैसे कि भास्कर पांडुरंग was the first to provide a critique of colonial rule. Okay. Lokahitavadi was the first to seek Swaraj. Who was Lokahitavadi? बताओ. कौन है? बताया था. Anyone? उनका नाम क्या है? Lokahitavadi को किसको बोला जाता है? बताओ. गोपाल हरि देशमुख, यस गोपाल हरि देशमुख, ठीक है याद करना, गोपाल हरि देशमुख, बहुत पहले ही उन्होंने फर्स्ट टू सीक स्वराज। देखो द टर्म इज सीक हियर, ऑब्वियसली विल से दादा भाई नायरोजी आए, फिर बाद में किए, फिर तिलक किए, स्वराज इसमें बहुत सारे, तो होम रूल मूवमेंट में किए, उनसे पहले गोपाल हरि देशमुख वाज़ द फर्स्ट टू सीक स्वराज। हिज नेशनल एंड पॉलिटिकल फार साइटेडनेस इज नोटिसेबल इन द लाइंस इन व्हिच ही चॉक्ड आउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, इवन एज इट स्टिल ले इन द वुम्ब ऑफ द फ्यूचर। तो वर्ड इज सीक, अगर सीक वर्ड आएगा यू हैव टू गो विथ लोकहितवादी। स्वराज को ऑब्वियसली 1905 में दादा भाई नायडू जी लेके आए, वो तो INC सेशन की बात हो रही है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे किसने पहले किया था, मतलब सीख किया था, वो लोग गोपाल हरि देशमुख है, रिमेंबर। सो गोपाल हरि देशमुख रोट, इन ऑर्डर टू रिमूव आवर डिसकंटेंट द ब्रिटिश माइट पार्ट विथ सम पावर, द मोर पावर दे गिव द मोर इट विल वेट आवर एपेटाइट फॉर इट एंड द ब्रिटिश मे बिगिन टू अपोज आवर डिमांड्स, इफ दे डू सो वी मे परहैप्स हैव टू डू व्हाट द अमेरिकन्स डिड व्हेन दे ड्रोव अवे द इंग्लिश फ्रॉम देयर लैंड। In this way, as the 19th century reformers did not directly take up political issues, they created space for them in the hearts and minds of the Indian people. In the 20th century, it was the national movement that carried forward the torch of social reform with Mahatma Gandhi at its forefront. So, kahin na kahin, social reform se national movement bana. Matlab ek base tayar kar diya.
इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? फाइन, ओके, इतना ही था आज का, थैंक यू। द पार्लियामेंट क्लास व्हाट टाइम? पार्लियामेंट क्लास आई विल टेल यू इन ग्रुप, पार्लियामेंट क्लास अभी बोल देता हूँ, ग्रुप में बोलता हूँ, ओके, थैंक यू।